आपके कई कई सवाल थे कल, और कैंसर के पेशेंट आए, ट्यूमर के पेशेंट आए आप में से, और आपकी जिज्ञासा थी। मैंने आपको यही बोला कि आज का दिन आप रुक जाओ, सॉल्यूशन की बात हम कल करेंगे, जो कि आज का दिन करेंगे। तो आज वही लोग थोड़ा अलर्ट रहें, आज हम बात करेंगे कि अब स्थिति ये है, अब करना क्या है, सॉल्यूशन क्या है, एक एक करके। तो स्थिति को थोड़ा 5 मिनट में और एक समझ लेते हैं अच्छी तरह से, और समझने के लिए ये मैंने ये घोड़ा ही लग रहा है ना, घोड़ा है ये मेरे घर में, मुझे यही मिला आपको समझाने के लिए, ये वैसे घोड़ा है ये, ठीक है ना। तो मैंने अपनी बेटी से पूछा, उसने तो बोला ये यूनिकॉर्न है, मुझे लगा कोई नया जानवर आ गया होगा, राइट, लेकिन ये घोड़े का ही नजदीक है, इसे घोड़ा ही मान सकते हैं। तो अब थोड़ा समझ लेते हैं क्या एग्जैक्टली करना है, कोई भी परिस्थिति में जो भी हेल्थ इश्यूज है उसमें करना क्या है। उसके लिए पहले तो एक उदाहरण देके पूरे कल वाली बात को मैं समराइज कर देता हूं अगले 2-3 मिनट में इसके एग्जाम्पल से। मान लीजिए किसी को सांप काटता है, ठीक है ना, तो सांप काटता है तो एकदम से बोलेगा डॉक्टर के पास जाओ या एंटीविनम वो लगाओ, राइट, जहां पर मिलता हो, बचने की कुछ उम्मीद है, राइट। तो ये, और फिर वो लगाया, अगर तो मिल गया, इंसान जिंदा भी है, तो देखा वो लगाया और वो मर गया, वो जिंदा है, या उसने लगाया और फिर मर गया, तो बोलेंगे लगाते हुए देरी हो गई। तीसरा, वो लगा नहीं पाया और मर गया, लगाता तो वो जिंदा रहता, राइट। तो आप देखेंगे कि अगर तो मर गया तो बीमारी से मरा, और अगर वो बच गया तो वो जो लगाया था ना उससे बच गया। ये एक अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन क्या जब भी एंटीविनम लगाते हैं स्नेक बाइट में, तो क्या वो काम करता है, उसके पीछे का साइंस क्या है? ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको इस स्नेक बाइट के बारे में समझाना चाहता हूं, वो तो समझाना चाहता ही हूं, इसके माध्यम से मैं एक बड़ी बात समझाना चाहता हूं, उसके लिए उदाहरण के तौर पर मैं ले रहा हूं। तो पहली बात तो एंटीविनम होता क्या है, वो बनता कैसे है? जब भी सांप काटेगा या कोई भी पशु काटेगा, पक्षी काटेगी, कोई भी चीज अगर काटेंगे, तो हमारे बॉडी के अंदर एक फॉरेन मैटर आएगा। फॉरेन मैटर मतलब ऐसी चीज जो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए, उसे पॉइजन नाम दे दो, उसे टॉक्सिक नाम दे दो, उसे एंटीजन नाम दे दो, उसे विनम नाम दे दो, मतलब कोई ऐसा पदार्थ जो बॉडी को नहीं चाहिए और बॉडी के अंदर जबरदस्ती डाल दिया, राइट। तो अगर वो सांप ने डाला तो उसे विनम बोल देंगे या उसे विष बोल देंगे, राइट। अगर वो कोई छोटा मोटा पैथोजन है तो उसे बैक्टीरिया बोल देंगे, वायरस बोल देंगे, लेकिन कोई ऐसी चीज जो बॉडी को नहीं चाहिए और बॉडी से जिसमें डैमेज होगा वो चीज बॉडी के अंदर चली गई है। सांप के केस में उसे बोलेंगे पॉइजन या विनम बोल देंगे, ठीक है ना। तो अब इसका एंटीडॉट जिसे बोलते हैं, एंटीडॉट मतलब कि इसको उलट कैसे करें, इसको ठीक कैसे करें, रिवर्स कैसे करें, तो वो एंटीविनम लगाना पड़ेगा उस सांप के हिसाब से। जैसा कि थोड़ी बहुत आपको अगर अंडरस्टैंडिंग है तो ऐसे ही बोला जाता है। अब वो एंटीविनम जब बना था तो बना कैसे था, वो बनाया, बनाने की विधि क्या है, इसको समझ लेते हैं अगले 30 सेकंड में। वो ये कि एंटीविनम क्या है, कि एंटीडॉट, कि वो एंटीविनम जैसे ही डॉक्टर आपको इंजेक्शन के रूप में देगा तो उम्मीद ये की जाती है कि सांप के जहर का असर कम हो जाएगा, आप बच जाएंगे, दैट इज हाउ इट इज। लेकिन वो एंटीविनम बना कैसे है, वो बना कुछ ऐसे है कि जबरदस्ती घोड़े को पकड़ते हैं, पकड़ के जिस सांप का एंटीविनम बनाना चाहते हैं उसी सांप को ले जाके घोड़े को कटवाते हैं। घोड़े ने को काटा, अब घोड़े को काटा तो घोड़े के बॉडी में भी वो जहर चला गया, लेकिन ये मान लिया जाता है कि घोड़ा इतना बड़ा, इतना ताकतवर है, तो सांप बहुत ज्यादा जहरीला होने के बाद भी घोड़ा मरेगा नहीं, बल्कि घोड़े के बॉडी उस सांप के जहर से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाएगी, राइट, हथियार बनाएगी, वो हथियार का नाम एंटीबॉडी है। अब जब घोड़े का बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी, वो एंटीबॉडी सांप के जहर को न्यूट्रलाइज कर देगा, और हम चलाकी से सांप के बॉडी, घोड़े के बॉडी से वो एंटीबॉडी चूस लेंगे, समझ गया, और उसको हम बोतल में डाल देंगे और बोलेंगे ये एंटीविनम है। अब दोबारा ये सांप किसी के पास पहुंचा और काटा, तो आपके पास घोड़े वाला एंटीबॉडी है, तो उठा के आपके बॉडी में डाल देंगे, लेकिन आपका बॉडी कोई घोड़ा नहीं है, ये समझ लीजिए। वो जो एंटीबॉडी बनी थी वो घोड़े के बॉडी में बनी थी, और नंबर वन, फिर भी मान लेते हैं कि वही वाला एंटीबॉडी आपके बॉडी में काम करेगा, ऐसा मान लेते हैं हम, लेकिन वो तभी काम करेगा जब यही वाला सांप, जिस सांप ने अफ्रीका में जब वो एंटीबॉडी बना रहा था, उस वाले वो ही वाला सांप वहां से घूमता हुआ आएगा और वो काटेगा तब, समझ रहे हैं,
और इसके चांसेस कितने हैं? हाँ, मतलब ये कि थ्योरेटिकली काम करेगा, लेकिन कब? जब यही वाला सांप, ऐसे नहीं कि इसके दोस्त यार या इसी जाति का सांप या इसके बच्चे, नो नो नो, यही वाला सांप जब एंटीबॉडी इस घोड़े के लिए बनाया था और इसके काटने के हफ्ते दो हफ्ते में आपको काट ले अगर ये जिंदा रहा तो, और आप उसके पास, और तब ये एंटीबॉडी आपको दे दिया जाए और आपका बॉडी घोड़े इतना ताकतवर हो तो आप बच सकते हैं, राइट? और दैट इज द, और इसके चांसेस कितने हैं? इसके चांसेस मतलब थ्योरेटिकली तो हो सकता है, थ्योरेटिक चांसेस है ना 0.00001%, लेकिन कोई मना तो नहीं करेगा ना, चांसेस तो है, तो साइंस तो है, मतलब देयर इज अ चांस। कितना चांस है इसको अगर आसान भाषा में समझाना हो तो, चांसेस है ना? थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू, थैंक यू। तो अगर कोई बोले कि ऐसा हो सकता है क्या, हो भी सकता है ना, करोड़ों बार करेंगे एक बार तुक्का लग जाएगा, राइट? तो जितना चांसेस इसके होने के हैं उससे ज्यादा चांस नहीं कि आपका वो एंटीवेनम काम करेगा। तो लेकिन एक बात समझ लीजिए, जब कोई सांप काटता है किसी को भी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं सांप काटने से कोई मरेगा नहीं, मैं आई एम नॉट सेइंग दैट, मरते हैं लोग, लेकिन जब ये सांप काटता है तो उसको नहीं पता होता कि कौन से सांप ने काटा है, राइट? और श्योरली वो जिस भी सांप ने काटा है या तो वो जहरीला है या जहरीला नहीं है, दो ही चीज हो सकती है। अगर वो जहरीला है कि दुनिया की कोई दवाई आपको बचा नहीं सकती, और अगर जहरीला नहीं है और आप डॉक्टर की बातों में आके एंटीवेनम लगा लेंगे, फिर किस्मत अच्छी हो तो ही आप बच सकते हैं। और उसके एंटीविनम के साइड इफेक्ट की वजह से जब मर जाएंगे, डॉक्टर बोलेगा वो जहरीला सांप था उससे मर गया। तो मतलब ये कि कई बार जहरीला सांप ना होते हुए भी इंसान मर जाता है, क्यों? क्योंकि वो एंटीविनम लगा लेता है। अगर तो एंटीविनम काम करता है तो पूरी दुनिया में ऐसा एक सबूत तो दे दो, जो भी सबूत वो देंगे वो सबूत उतना ही काम करता है उस सबूत के अनुसार ही जितना ये काम करता है जो आपने अभी देखा। और ये काम नहीं करता है, कभी काम नहीं करता, ना कभी काम किया, उसके सबूत मैं आपको दे सकता हूं अगले स्लाइड में, ये ले, राइट? तो ये सारे सबूत हैं। तो मैंने आपको चार सबूत, तीन सबूत दिए, तो एक सबूत दे दो कि ये काम करता है। तो मैं यहां पे बोल रहा हूं कि जब उसने वो लगाया एंटीविनम सांप के जहर से तो वो बच गया क्योंकि वो जहरीला था ही नहीं, लेकिन उसके बॉडी में वो एंटीविनम चला गया, अब वो जो बीमार पड़ेगा या तो मर जाएगा, लेकिन अगर बच गया, किस्मत अच्छी रहे, तो भयंकर रूप से वो एंटीबॉडी उसको बीमार कर देगा, घोड़े वाले एंटीबॉडी। लेकिन अब वो जब बीमार रहने लगेगा, कोई नहीं बताएगा इस बीमारी की असली वजह क्या है, उसे लगेगा मेरी किस्मत से मैं, वो खुद भी नहीं सोचेगा कि वो जो एंटीविनम था उसकी वजह से मैं बीमार पड़ा हूं। मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि 90% केसेस में जाने अनजाने आप कोई ऐसा एक्शन कर बैठते हैं कि आप बीमार पड़ जाते हैं, रियल में बीमार पड़ने की वजह नहीं है। अगर सिर्फ और सिर्फ आप ये इंश्योर कर ले कि देखिए भगवान ने आपके बॉडी के अंदर जाने की जो जगह बनाई है वो मुंह है, नाक है, किसी और जगह से बॉडी में कोई भी वस्तु जाने के लिए है नहीं, और अगर जबरदस्ती डालेंगे तो कुछ ना कुछ नुकसान होगा, एंटीबॉडी या एंटीविनम या इस तरह के जो प्लाज्मा थेरेपी, वो क्या है? प्लाज्मा थेरेपी इसी का एक छोटा रूप है कि वो यही था ना कि जिसको कोविड हो गया तो उसके बॉडी में एंटीबॉडी बन गया, उसके बॉडी से जैसे घोड़े की जगह उस इंसान के बॉडी से एंटीबॉडी निकाला और जिसको सो कॉल्ड कोविड हो गया उसके बॉडी में डाल दिया, दैट इज व्हाट इज प्लाज्मा थेरेपी, राइट? लेकिन साइंस ऐसे, जो हमारी बॉडी का जो साइंस है वो इस तरह से काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि जितनी बार किसी को कोई फ्लू होगा वो किस वायरस की वजह से फ्लू है वो नहीं पता हमें, लेकिन एंटीबॉडी कोई भी दे रहे हैं वो एंटीबॉडी उसी वायरस से काम करेगा कि नहीं, वो उतना ही चांसेस जितना चांसेस अभी आपने देखे थे। तो प्लाज्मा थेरेपी में क्या हुआ, जब भी प्लाज्मा थेरेपी हुई तब लोग या तो बहुत बीमार पड़ गए, जैसे दिल्ली के हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब, उन्होंने भी ये प्लाज्मा थेरेपी कराया। तो अब ये कनेक्ट करना, कौन कनेक्ट करके बताएगा कि आपको किसी कोविड ने नहीं बीमार किया, आपको इस प्लाज्मा थेरेपी ने बीमार किया, राइट? ये कनेक्ट करना जरूरी है, वो इट डजेंट वर्क। तो आपको ये समझना होगा कि बीमारी हम अपने ऊपर लाद रहे हैं, बीमारी अपने आप हो नहीं रही है,
इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी सिक, बीमार रहना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए ये सारी चीज करनी पड़ेंगी, जो इन षड्यंत्र में फंसना पड़ेगा तभी आप बीमार रह सकते हैं। एक बात जो समझना होगा कि बीमार ये वैक्सीन, ये एंटीबॉडी, ये एंटीविनम, ये आपको बीमार एग्जैक्टली करता क्या है, कैसे है, इस बात को समझने के लिए सिर्फ ये समझ लीजिए, दैट इज कॉल्ड ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है ये अगर समझ लेंगे तो आपको बहुत सारे आपके दिमाग के सवाल क्लियर हो जाएंगे और फिर हम आराम से आगे बढ़ पाएंगे। तो ब्लड ब्रेन बैरियर को समझने के लिए पहले तो हम ब्रेन की बात करते हैं एंड ब्रेन से देखते हैं कैसे काम करता है। इसको मेरे पास एक ब्रेन है, ये इंसान का नहीं है, ये पिक का ब्रेन है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये एक 60 किलो पिक का ब्रेन है, 60 किलो पिक का करीब 100 ग्राम का ब्रेन होता है। और इंसान और पिग में, सुअर में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि 60 किलो इंसान का जो ब्रेन होता है वो करीब 1 किलो का होता है, यानी कि पिग के ब्रेन के 10 गुना, राइट। अगर पिग और ह्यूमन का एक ही वेट हो और दोनों का अगर ब्रेन कंपेयर करें तो ह्यूमन का ब्रेन का वेट पिग के वेट से कितना गुना ज्यादा होगा, 10 टाइम, राइट। लेकिन दिखने में कुछ ऐसे ही होगा, इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए ये पिग का ब्रेन। तो अब ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर मतलब कि ब्रेन, ये ब्रेन है कि ब्रेन इतना सेंसिटिव है कि ब्रेन के अंदर ब्लड को जाने की भी इजाजत नहीं है, राइट, अंडरस्टैंड, ब्रेन के अंदर ब्लड को जाने की भी इजाजत नहीं है, ब्रेन इतना ज्यादा सेंसिटिव है, राइट। सिर्फ कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ विटामिन्स, कुछ मिनरल्स जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट, वही कुछ जाते हैं बट ब्लड भी नहीं जाता है, राइट। दैट इज कॉल्ड ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर वो एक फिजिकल बैरियर है जो बैरियर रोकता है ब्लड को, भाई आगे आप भी अलाउड नहीं हो, राइट। ये जो सफेद सफेद देख रहे हैं इसको काटेंगे ना उसके अंदर ब्लड नहीं मिलेगा आपको, लेकिन उसको जिंदा रहने के लिए जो न्यूट्रिशन है वो जा सकता है, राइट। जो भी आप खाते हैं वो जो न्यूट्रिशन है दैट गोज, राइट, जैसे कार्बोहाइड्रेट वो चला जाएगा, कुछ विटामिन मिनरल चले जाएंगे, ऑक्सीजन चला जाएगा, थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा, तो लेकिन ब्लड खुद नहीं जा सकता। लेकिन जब आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे वैक्सीन ले लिया आपने, जैसे दवाइयां ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल डायबिटीज की जो दवाइयां लेते हैं सालों साल, तो धीरे 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 क्या करता है, डायबिटीज की दवाई है, ब्लड प्रेशर की दवाई है, वो ब्लड ब्रेन बैरियर, वो फिजिकल बैरियर है, इमेजिनरी नहीं है, वो फिजिकल बैरियर को धीरे 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 वो तोड़ने लगता है, तोड़ने लगता है, तोड़ने लगता है। और जब वो फिजिकल बैरियर को तोड़ देगा तो ब्रेन के अंदर कुछ भी जा सकता है, समझ रहे हैं आप। और तो उसके बाद ब्रेन का कंट्रोल हमारे बॉडी पे कम होने लगेगा। फिर किस तरह की बीमारियां आएंगी, जैसे डिप्रेशन है, जैसे पार्किंसन है, जैसे अल्जाइमर है, ब्रेन डिसफंक्शन, तो या पैरालिसिस है, फिर इसमें आ जाएगा। लेकिन जब पैरालिसिस होगा या पार्किंसन होगा या इस तरह की और बीमारियां होंगी, तब कोई ये नहीं बताएगा ये जो इतने सालों से आप डायबिटीज की दवा खा रहे थे, आप खुद ही उस दवा को खा के आप अपने ब्लड ब्रेन बैरियर को तोड़ रहे थे, राइट। आपने रोज थोड़ा 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 थोड़ा, और जब वो बैरियर टूट गया, अब जब टूट ही गया तो उसके अंदर कुछ भी चला जाएगा, एक तो वो दवाई भी गई और बाकी चीज भी गया। तो नेवर अलाउ योर ब्लड ब्रेन बैरियर टू ब्रेक, राइट। और ये तो सिर्फ अगर आपको ब्रेन को ठीक करना है, मान लो आपके सवालों के तो लिखते रही है, राइट, तो मान लो इसको ठीक करना है, जैसे किसी को पैरालिसिस हो ही गया है, इसका मतलब ब्रेन का आपके हाथ और पैर में कनेक्शन टूट गया है, तो दोबारा एस्टेब्लिश करना है, यानी कि ब्रेन के अंदर जाके छेड़खानी करनी है, दोबारा से रिपेयर करना है। लेकिन ब्रेन तो इतना डेलिकेट है, वो तो खून को भी अलाउ नहीं कर रहा अंदर जाने के लिए, तो आप कैसे अंदर जाके रिपेयर करेंगे, किसको भेजेंगे अंदर जाने के लिए, कहां से भेजेंगे अंदर जाने के लिए।
तो सिर्फ एक ही रास्ता है जिस रास्ते से ब्रेन तक बिना ब्लड ब्रेन बैरियर के आए हम पहुंच सकते हैं। जिस तरह से ये कमरा है हर जगह से बंद है, हो सकता है कि वो जो वहां पे वेंटिलेटर है वही एक रास्ता है बिना दीवार को तोड़े अंदर आने के, या ये दरवाजा है राइट अगर बिना दीवार को तोड़े आने के। ठीक उसी तरह से बिना ब्लड ब्रेन बैरियर को ब्रेक किए अगर ब्रेन तक पहुंचना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, एंड ये आयुर्वेद में बोला गया है वो रास्ता है आपका नाक, नोज। नोज इज द डोरवे टू द ब्रेन, नासा ही शिरसो द्वारम। तो नाक के थ्रू, ये जो मैंने बात बताई ये कोई अनोखी बात नहीं, ये सभी को पता है, ये आयुर्वेद को तो पहले से ही पता था, एलोपैथी को पता था। तो लेकिन आपको पता चल गया कि ये खुफिया रास्ता है इस कमरे में जाने के लिए, अब उस खुफिया रास्ते का इस्तेमाल क्या कैसे करने वाले हैं, उस रास्ते से घुस के आप चोरी करने वाले हैं या उस रास्ते से घुस के कुछ अच्छा काम करने वाले हैं, रास्ता पता चल गया बट हाउ यू आर गोइंग टू यूज दैट, वो आपके इंटेंशन पे डिपेंड है। अब एलोपैथी वो कैसे उस रास्ते को यूज करती है, कैसे यूज कर रही है पिछले 2 साल से, गौर कीजिए पिछले 2 साल से बार बार आप देख रहे हैं कि भाई आप कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव है इसके बहाने नाक के अंदर घुसा रहे हैं, तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर तक घुसा रहे हैं, उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जरा सोचिए कोई भी वायरस अगर आपके मुंह में नाक में होगा सबसे पहले कहां पे होगा, नाक के फ्रंट में होगा ना, जाके अंदर थोड़ा छुपेगा, क्योंकि जाने का रास्ता तो यही है। तो क्या करते हैं वो नाक के अंदर जाके बिल्कुल ऊपर मारते हैं, एक जोर से दर्द होता ना राइट, जिन्होंने चेक कराया होगा। तो यानी कि वो क्या कर रहे हैं, बहाने से आपके बॉडी के ब्लड ब्रेन बैरियर वहां पे है नहीं, वहीं पे जाके चोट कर रहे हैं। बार बार जब चोट करेंगे जितनी बार चोट करेंगे उतनी बार आप ओबीडियंट बनते जाएंगे, आज्ञाकारी। घर पे बैठो आप घर पे बैठ जाएंगे, क्वारंटाइन कर लो आप कर लेंगे, रात को कोरोना आता आप घर से नहीं निकलना, आप सवाल नहीं पूछेंगे। तो इस लायक आपको कैसे बनाया जाए, आपके ब्रेन को बार बार खरोच खरोच के कर, कैसे बार बार किसी न किसी बहाने, ना कि एक रास्ता है उस रास्ते से आपके ब्लड ब्रेन बैरियर तक पहुंचना है। नहीं तो क्या वजह है कि उस वहां तक ले जाना पड़ेगा तभी वो इस सैंपल से कोरोना निकलना चाहिए, वो तो यहां निकल जाएगा अगर होगा तो, क्योंकि जाने का रास्ता तो यही है राइट, दो गज तक भी चले जाता है, और इधर तो भाई बिल्कुल आप अंदर तक ले जा रहे हैं, कोई सवाल कोई किसी ने पूछा नहीं। उसका एक्चुअल वजह है कि आपके जो ब्रेन है वहां तक पहुंच के आपको आज्ञाकारी बनाना। लेकिन याद रखिए जो ब्रेन आपने देखा ये कितना सेंसिटिव हो सकता है कि अगर थोड़ा भी जोर से लग जाए तो इंसान पैरालिसिस भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है, और डेथ हुई भी है। छोटे बच्चों में आपने पढ़ा है कि छोटा बच्चा वो नाक में घुसाया बच्चा मर गया। आप थोड़ा सर्च कीजिए, बच्चों में बच्चे और नाजुक होते हैं तो बच्चों में डेथ हो जाती है। आप जैसे हम जैसे उतने नाजुक नहीं है तो डेथ तो नहीं होगी लेकिन परमानेंट डैमेज होगा, आपको सुस्ती आएगी, आपको लगेगा कि मुझे सोचने की शक्ति कम हो गई, आपको लगेगा मैं भूलने लगा हूं, लेकिन आप ये रिलेट नहीं कर पाएंगे ये हुआ क्यों, ये हुआ कैसे राइट। तो इस तरह से तो बस इतना करना है कि नासा ही शीर्षो द्वारम, आपको पता चल गया रास्ता तो यही है, जो भी गड़बड़ करना इस रास्ते से कर दो सही रहेगा। एक गड़बड़ नाक में बार बार खरोचो, और अगर ऐसा नहीं हो पाए तो नाक को ब्लॉक ही कर दो राइट। ये जो है इसका मेन मकसद क्या है, मेन मकसद कि जब ये ब्लॉक करेंगे तो जो अगर कोई वायरस है भी तो नमी आएगी और वो उसके नाक के अंदर जाने की पॉसिबिलिटी और बढ़ जाएगी। इंस्टेड ऑफ ब्रीदिंग कार्बन ऑक्सीजन यू आर एक्चुअली ब्रीदिंग कार्बन डाइऑक्साइड राइट, अपनी फेंकी हुई ब्रीदिंग को ही वापस नाक में ले रहे हैं। और नाक ही एक ऐसा रास्ता है जो सीधे ब्रेन को जाता है, जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे के लिए भी, जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं खराब के लिए भी। तो अभी तक तो पिछले 2 साल का आपको एक्सपीरियंस है राइट। सवाल यह आता है कि अगर कोई मास्क लगाता है तो क्या कोई उससे बीमारी बचती है, इन्फेक्शन कम होता है, कोविड फ्लू वगैरह कम होता है उन लोगों को, इस पर कोई शोध है, इस पर रिसर्च हुआ है, CDC का रिसर्च हुआ है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, और रिसर्च में ये निकला कि जो लोग मास्क लगाते हैं लगातार
उनमें कोविड होने के चांसेस, कोविड सो कॉल्ड, हम तो उसको फ्लू बोलते हैं, इन्फेक्शन होने के चांसेस 20 गुना ज्यादा है, 2000% ज्यादा है, इन कंपैरिजन टू जो कभी मास्क नहीं लगाता। तो ये तो सामने ही है नहीं? और ये किसका है? CDC का। अगर आपको ये रिसर्च पेपर पढ़ना है, ये हमने ये जो बुक छापी है इसका पेज नंबर 16 पे मिल जाएगा रिसर्च, राइट, जो हमने पिछले साल रिलीज की थी, हमने 2 साल पहले भी रिलीज की थी, नाइस क्यूरेटिव क्योर COVID-19, पेज नंबर 42 में जाएंगे, ये लिंक में आपको दोनों किताबें मिल जाएंगी। आप देखेंगे कि रिसर्च पेपर जितने भी अभी तक आए हैं, जब से लोग मास्क लगाने की बात करते हैं, अभी से नहीं, मास्क का जो है प्रयोग पहले पहले भी कभी कभी करते थे, हर बार रिसर्च पेपर में यही आया है, मास्क लगाने से आप बीमार पड़ेंगे। और वो जितने सारे रिसर्च पेपर, उन सबको कलेक्ट करके हमने इन किताबों में डाल दिया, आप देख सकते हैं। तो जबकि रिसर्च ये कह ही रहा है, उसके बावजूद भी ये चल रहा है, मकसद तो क्लियर है ना। याद रखिए कि जो लोग बार बार मास्क लगाएंगे तो ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्रेन तक पहुंचेंगे, और ऐसे लोग धीरे 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 वो गुलाम, समझ रहे हैं, कि क्वेश्चन ना करना, सवाल नहीं करना, उस तरह की मेंटलिटी हो जाएगी आपकी, कि सवाल नहीं करना, पूछना नहीं है। जैसे आप देखते हैं जो पिंजरे में जो बाघ भी रहता है, पिंजरे में जो भी जानवर रहते हैं, कुछ दिन समय बाद वो एक्सेप्ट ही कर लेते हैं कि हम तो गुलाम हैं। पक्षी भी है, अगर वो पिंजरे में काफी साल तक रहे, शेर भी काफी साल तक रहने के बाद उसको जंगल में छोड़ देंगे, वो रह नहीं सकता वहां पे जंगल में, वो तो वापस वहीं आके रहेगा, ये पता ही है हमें, क्योंकि वो उसकी आदत ही पड़ गई, उसने एक्सेप्ट कर लिया यही मेरी दुनिया है, उसको उठा के फ्रीडम में देंगे, वो मर जाएगा वहां पे। तो ये एक बहुत बड़ा खेल। तो आप बीमार नहीं हैं, बीमार थे नहीं ओरिजिनली, ये जो आपकी हैबिट डाली जा रही है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इस हैबिट से आप ब्रेन को डैमेज कर रहे हैं एंड यू आर गोइंग टू बी सिक। और कभी भी कोई रिलेट करके बताएगा नहीं, आपकी जो पिछले 2 साल से जो हैबिट थी दैट हैड मेड यू सिक। लेकिन ऐसा नहीं कि ये मेरी सोच है या मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूं, ये ऑलरेडी प्रूवन है, एज्यूम नहीं कर रहा हूं, ये प्रूवन है। और कहां प्रूवन है? वो रिसर्च पेपर कहां है? वो ये है। और अगर कोई ऐसा बोलता है नहीं इससे तो इन्फेक्शन रुकता है, तो ऐसा कोई सबूत लाके दिखा दो। हमारे कोविड सेंटर थे पूरे जी, यहां पे अहमदनगर हम लोग गए साथ में, हजारों की तादाद में पेशेंट थे, हजारों के, किसी ने मास्क नहीं लगाया, किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की, किसी ने, बच्चे भी साथ में थे, वहीं खेलते रहे, कोई तो नहीं मरा, कोई किसी ने बीमारी नहीं फैलाई। तो ये सोच कि ये बीमारी को बचाता है, ये सोच भी भरी जा रही है, एक्चुअली आपको बीमार किया जा रहा है। इन उदाहरण से मैं यही साबित कर रहा हूं कि आपको अगर ब्रेन की थोड़ी बहुत बायोलॉजी पता चलेगी तो पता चलेगा कि बीमार होने के प्रोसेस में किस तरह से आपको धकेला जा रहा है, स्ट्रेटेजिकली, स्ट्रेटेजी से, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते, आपको पता भी नहीं चल रहा कि कब आप अपने बॉडी में पॉइजन भर रहे हैं। तो यहां पे बोलना ये चाह रहा हूं कि नशा ही द्वारम शिरसो द्वारम, ये जो बात है ये आयुर्वेद में लिखी गई है, एलोपैथ को पता है, उसने इसको एक हथियार की तरह यूज किया ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, और आयुर्वेद ने इसको यूज किया ह्यूमैनिटी के फेवर में। लेकिन जो आयुर्वेद आज आप जानते हैं ये खोखला हो चुका है, एक्चुअल आयुर्वेद तो था उसको तो खत्म कर दिया अंग्रेजों ने, बाजार मेडिसिन बोल बोल के जला दिया, उसको खत्म करके खोखला आयुर्वेद को ही लाके लेके बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी आज भी आप जैसे लोग, हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं, आप जैसे क्रांतिकारी लोग, आज भी आपने, यहां मैं बात करूं, धीरज धीरज यहां पे आओ भाई, हमारे नाइस एक्सपर्ट हैं, नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट, इन्होंने आज भी इन सब चीजों के बावजूद, षड्यंत्र के बावजूद भी इन्होंने आयुर्वेद के खजाने को ढूंढ निकाला, और वो खजाना आपको आज मिलने भी वाला है कि नहीं धीरज? आज भी हमारे देश में ऐसे आयुर्वेदाचार्य हैं जिनके पास पूरी की पूरी नॉलेज है, और चुपचाप देश के अलग अलग कोने में काम कर रहे हैं आराम से, राइट, और वहां तक आप जैसे लोग, धीरज जैसे लोग खोज खोज के वो पहुंचे, और पहुंच के इन्होंने एक ऐसी चीज लेके आए उनसे कि जो आपके जीवन का, पूरे जीवन का सिरदर्द गायब कर सकता है, पूरे जीवन का। एक सैंपल दें तो पेपर कहाँ है, वेयर इज माय पेपर, तो वो जो है
इसको खूबसूरत बॉक्स में हमने इसमें डाल दिया है और इसका नाम हमने रखा है धीरज, टू सेकेंड ऑयल। टू सेकेंड ऑयल का मतलब, डब्बा खोलना जरा ऊपर से, खोलो से। हाँ, टू सेकेंड ऑयल का मतलब कि जैसे मान लो किसी का हेडेक है, अभी आप में से किसी को हेडेक हो रहा है इस वक्त, सुबह से आप लेक्चर सुन भी रहे हैं वैसे। आइए आइए स्टेज पे, आइए स्टेज पे आइए, ठीक है। तो हमारा हमारा जो दवा है, ये हमारा दवा नहीं, इनका दवा है, आयुर्वेद का दवा है और हमारा भी दवा है, कि किसी को भी कितना भी हेडेक हो, दो लोग आ भी गए, घड़ी देख के दो सेकंड के अंदर नासा ही शीर्षो द्वारम, इनकी नाक से इनके ब्रेन तक पहुंच के इनके ब्रेन में जाके करेक्ट करके हेडेक को कितने सेकंड में गायब भी कर देंगे। देखते हैं होता है कि नहीं, ठीक है ना। खोलो, खोलने में दो मिनट, क्योंकि इसके अंदर जो है ना माल, वो सिर्फ 2 ml है। नहीं नहीं, नहीं बुक कराई हुई। अच्छा, आपको हेडेक है? हाँ। अच्छा, इसमें इसमें और लोग स्टेज पे मत आइए प्लीज, और लोग ना आए, क्योंकि मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसके बाद वैसे भी आप नहीं आने वाले। सुन लीजिए, अगर तो हेडेक नहीं है और आपने इसको सुन लिया तो हेडेक हो जाएगा, ठीक है। रेडी? कई सर अभी हेडेक है इस वक्त, थोड़ा सा है, ठीक है, तो थोड़ा सा सुनिए। हाँ, एक नाक रोक के फिर सुनिए। खींचिए खींचिए। कैसा एक्सपीरियंस है? 2 मिनट 2 सेकंड हुए नहीं, 1 2 सुन जैसा कुछ। आप दिमाग में आप जरा सुनिए, जोर से सुनिए, बस 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 बस। जैसे ऑयल के अंदर ना लहसुन डाला हुआ है। नहीं, सिर दर्द कम हुआ कि नहीं? अरे कहाँ गई है? सीधा दिमाग में, सीधा ब्रेन में गई है। सिर दर्द कम हुआ कि नहीं? तो एक बार और लेंगे। था नहीं, देखिए आप लीजिए, बुक करा रखा है। कुछ महसूस हो रहा है ना? कुछ असर हुआ? थोड़ा बहुत असर हुआ, थोड़ा बहुत असर हुआ। आप करो, जोर से करना। हो रहा है, हो रहा है ना? ज्यादा खींच लिया, सिर पे चला गया। आप बताओ। अच्छा, एकदम बिल्कुल अच्छा, पूरे सिर में एकदम से जैसे करंट की तरह जा करके उसको रिलैक्स फील हुआ। ये आपने सही डेफिनेशन बोला, इन्होंने सबसे सही बोला, ऐसे ही होता है, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप सिर दर्द है आपको? एक एक नाक बंद करो, नहीं ज्यादा जोर से नहीं भाई। महसूस होता, अच्छे महसूस, ठीक महसूस होता है। तो ये क्या है कि ये हमारा या इनका कमाल नहीं, ये आयुर्वेद का कमाल है। ये कहीं छुपा हुआ तेल था, इन्होंने बस उस एड्रेस को ढूंढा और ये आप तक पहुंचाया, ठीक है ना। तो ये आज ये आप तक पहुंचाने के लिए, रुक दो रुक दो, वो सरप्राइज 2 वाला कूपन है आपके पास? हाँ, तो वो संभाल रखना, वही कूपन के माध्यम से ये पूरा इस बॉक्स में क्या क्या है वो भी बता दूं। एक तो आपका सिर दर्द कैसे दूर करें, एक बार अगर ले लेंगे, क्योंकि इसको ना तो लगाना है, ना खाना ना पीना है, तो जीवन भर का सिर दर्द दूर हो गया ना। जब भी सिर दर्द, निकाला और स्मेल कर लिया, अपने पड़ोसियों को भी बोल सकते हैं, वो भी लाइन लगाएंगे, राइट। और साथ में एक छोटी सी किताब है, मैंने पिछले, वो डब्बा लाना दोबारा से, पिछले 20 सालों में जितने भी हमने DIP डाइट है, फ्लू डाइट है, या फिर किडनी के लिए ग्रैड सिस्टम है, पोस्टुलर मेडिसिन है, वो सारा कुछ जितना नॉलेज मेरे पास था या है, वो सब कुछ हमने हिंदी इंग्लिश में इसमें डाल दिया है, राइट। तो और 3 साल के बाद, क्योंकि हम ये एज्यूम करते हैं 3 साल बाद ये गुम हो सकता है या टूट सकता है या बाय चांस गिर सकता है, ऑयल खत्म हो सकता है, ये कार्ड अगर आप लेके दिखाएंगे तो ये दोबारा से मुफ्त में आपको मिल जाएगा। तो इसके माध्यम से हम तो सिर्फ ये साबित करना चाहते हैं कि कोई भी इलाज कितना सस्ता हो सकता है। एक बार ले लिया हमेशा के लिए, राइट, वेरी वेरी चीप, एक बार लिया हमेशा के लिए जीवन। और इस तरह के ही इलाज आज मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल तो हमारे नीरज जी प्लीज स्टेज पे आए, अक्षय भाई प्लीज स्टेज पे आए, रवि जी, प्रकाश जी, प्रकाश पोरे जी प्लीज।
योगेश जी प्लीज, वीरेंद्र अंबर आप हैं, फिरोज प्लीज आओ, राकेश रफीक, सत्य प्रकाश जी, देवेंद्र पोपली जी आप हैं यहाँ पे, प्लीज आ जाएं स्टेज पे। तो विधिवत तरीके से पहले आज आप सबके बीच एज ए विटनेस हम लॉन्च करेंगे द 2 सेकेंड ऑयल, जो सीधे ब्रेन से, नाक से ब्रेन में जाएगा और एक बार फिर से ये एहसास दिलाएगा कि दुनिया को ये लगता है कि आयुर्वेद बड़ा स्लो काम करता है, बल्कि इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आयुर्वेद से फास्ट कुछ है ही नहीं। कोई कोई रह तो नहीं गए, कोई कोई रह तो नहीं गए, आगे नमिता, डॉक्टर नमिता आप भी आ जाओ। पोपली जी प्लीज आइए। नहीं नहीं, इसका पेटेंट आयुर्वेद के पास है। आइए, तो इस मौके पे ये दुनिया के सामने अब ये ऑफिशियली रिलीज हो गया, हेडेक रिलीफ इन 2 सेकेंड्स। आप लंच के बाद जब आप वापस अंदर आएंगे तो वो सरप्राइज टू आप के बदले में ये आप रिसीव कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो किताब है, आज जो ट्रेनिंग में अभी दूंगा वो जो टेक्निक्स हैं वो भी इस किताब में ही है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, मतलब एक ही किताब में दोनों भाषा में है। ठीक है, देखिए ये जो हमने बनाया है, दिस इज जो प्रोडक्ट है, दैट इज 100 रुपीज, 100 रुपये में जीवन भर के लिए, है ना, 100 रुपीज जीवन भर का, आपका सिर दर्द भी दूर करेगा, देश का सिर दर्द भी दूर करेगा, राइट। अब आपके सिर दर्द का नुस्खा मैंने बता दिया, और देश का सिर दर्द कैसे दूर करेगा वो अब मैं बताऊंगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये हर तरह की जो माइग्रेन की सर दर्द होती है, जो बहुत सालों से चलती है, राइट, उसमें बड़ी पावरफुली काम करता है। आप जब आपको मिल जाएगा तब आप खुद ही खोल के देखिएगा। हाँ, आधे सिर में है, सिर के पिछले और आगे हर जगह इट वर्क्स, वो भी इसके अंदर लिखा हुआ है, कैसे बनाया गया है वो भी लिखा हुआ है, राइट, जो बनाना चाहता है वो बना भी सकता है, राइट। अभी एक बार कंप्लीट करना सर, अब अभी जो आप पिछले अगले 2 मिनट में देखने जा रहे हैं, ये मान लीजिए कल और आज का सबसे इंपॉर्टेंट घड़ी अब है, जो मैं बोलने जा रहा हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बल्कि मैं तो ये बोलने जा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट जो जिन्होंने मेरे बहुत सारे वीडियोस और बुक्स पढ़े हैं, लेकिन उनमें से भी अब तक जो भी चीज मैंने बताया होगा उनसे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मैं अगले 2 मिनट में, 2-3 मिनट में बताने जा रहा हूं। तो नेक्स्ट 2-3 मिनट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल मोमेंट आपके लिए भी, मेरे लिए, तो गौर कीजिए। और वो ये कि बीमारी कोई भी क्यों ना हो, चाहे कोई पैरालिसिस हो गया हो, किसी की हड्डी टेढ़ी हो गई हो, कोई ट्यूमर हो गया हो, कोई सांस ना ले पा रहा हो, किसी का पैर हाथ सूज गए हो, किसी का पेशाब बंद हो गया हो, तो बीमारी जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं वो सारी की सारी बीमारी ठीक होने का जो आसान से आसान तरीका, जो फ्री में उपलब्ध है ऑलरेडी, वो क्या है वो अब आप देखने जा रहे हैं। मैं जो अभी वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, ये वीडियो, ये है, नाम है वुल्मा रुडोल्फ, और ये एक ऐसी महिला है जिनका 12 साल तक वो चल नहीं पाई, वो पोलियो हो गया था, पैरालिसिस था, 12 साल तक चली नहीं पाई, लेकिन 12 साल के बाद उन्होंने कुछ किया, वो क्या किया उसकी ट्रेनिंग मैं दूंगा, और उसके बाद ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीते तेजी से दौड़ने का, राइट, 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए सबसे तेजी से दौड़ने का पूरे दुनिया में। और उस वीडियो को आप देखिए और उसके बाद वो किया क्या वो आप समझिए।
ये आपने जो देखा ये वो है जो 12 साल तक चल नहीं पाती थी, 12 साल तक, लाइट्स आर ऑन कर दें प्लीज, टिल 12 इयर्स शी कुड नॉट वॉक। और उसके बाद, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये ब्लैक थी तो उस जमाने में 1960s से पहले 1950s वगैरह में तब ये भी था कि ब्लैक का कोई एलोपैथिक इलाज नहीं होगा, जो वाइट डॉक्टर हैं वो ब्लैक को इलाज नहीं करेंगे। तो ब्लैक का इलाज कौन करेगा, घरेलू इंसान, बस यहीं पे उनकी जिंदगी बच गई कि वो एलोपैथी में नहीं गई। तो ये उनकी बायोग्राफी है, विल्मा रुडोल्फ बायोग्राफी। इस बायोग्राफी और मैंने और रिसर्च किया कि ये ठीक कैसे हुआ, ठीक होना तो चलो एक मिराकल है ही, ठीक होके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना तीन तीन, ये कैसे हो गया। वो एलोपैथी में नहीं गई वो तो बात समझ आती कि और खराब करने से बच गई, लेकिन ठीक कैसे हुए, और ठीक कैसे हुए वो ये बुक है। और इसमें लिखा है कि ठीक होने के लिए एक ब्लैक घरेलू, एक वहां का, जैसे यहाँ ट्रेडिशनल डॉक्टर होते हैं आयुर्वेद, वहां के ब्लैक आयुर्वेदाचार मान लीजिए, वहां के हिसाब से ट्रेडिशनल डॉक्टर ने बोला अगर इनको ठीक करना है कि दोबारा ये चल पाए दौड़ पाए, सिर्फ दो ही शब्द, हीट एंड वाटर थेरेपी, हीट एंड वाटर थेरेपी। तो ये हीट और वाटर ये दुनिया की हर बीमारी को ठीक कर सकती है। हमने देखा है हमारे हॉस्पिटल्स में, हम ये करते ही हैं, और हमारे हॉस्पिटल्स में ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि किडनी फेलियर पेशेंट होते हैं, जिनको ट्रांसप्लांट के लिए बोला है, जो डायलिसिस के लिए जाते हैं, कैंसर पेशेंट्स होते हैं, वही वाले पेशेंट आते हैं जो हर जगह से हार मान जाते हैं। हमारे जहाँ जहाँ हॉस्पिटल हैं, डेरा बसी में है, हमारे जयपुर में है, हमारे जोधपुर में है, तो आते हैं। तो हम वही करते हैं जो ये इन्होंने किया, और ये कोई अकेली महिला नहीं है 1960s की जिन्होंने ये करके यहाँ तक उपलब्धि पाया। इस तरह से हीट एंड वाटर से लोग ठीक होते हैं, ये और हजारों की तादाद में ठीक होते हैं। और ये एक और मैं चाहूँगा कि एक होमवर्क की तरह आप लें, सिस्टर केनी, नाम याद रख लीजिए, सिस्टर केनी। सिस्टर केनी 1940s के दौर पे एक नर्स हुआ करती थी, और जब पोलियो के कोई पेशेंट आते थे या पैरालिसिस के पेशेंट आते थे तो उनका जो बैसाखी उठा के फेंक देती थी और उनको दोबारा चला देती थी। तो कैसे चलाती थी, द आंसर, ये उनकी जो किताब है बड़ी मुश्किल से मिली है कहीं लाइब्रेरी से, तो आंसर इज अगेन हीट एंड वाटर थेरेपी। तो जब सब कुछ फेल हो जाता है, सोचिए उसका पैर काम ही नहीं कर रहा और उसको भी इतना स्ट्रेंथ कर देना, द आंसर इज हीट एंड वाटर थेरेपी। हॉट, वेरी वेरी हॉट वाटर, वेरी वेरी हॉट, इतना हॉट कि वो जलने से जस्ट पहले अगर ऐसा कोई करे तो बॉडी के जो ऑर्गन जो फेल हो चुके हैं, फेल डिक्लेयर्ड हैं, वो दोबारा से काम करना शुरू कर देते हैं। तो वो कैसे काम करते हैं, आपको कैसे करना है, ये जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है। तो वही मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं कि ये कैसे काम करते हैं, हम कैसे करते हैं और आप कैसे इसको कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये घर पे हो सकता है, हम तो हॉस्पिटल में करते हैं, लेकिन हम तो ये बोलते हैं आप हॉस्पिटल ना के घर पे कर लो तब भी सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि हीट एंड वाटर, ये कौन सा घर है जहां पे ये दोनों चीज नहीं मिलेंगे, हीट एंड वाटर। कहां कौन सा गांव है जहां ये नहीं मिलेगा, कौन सी ऐसी जगह जहां पे हीट एंड वाटर नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी दवा है। तो इसको हम कैसे यूज करते हैं, वेरी सिंपल, जो हम अपने हॉस्पिटल में कर ही रहे हैं, कि हमने एक पानी का टब बनाया जो कल आपको दिखाया था, मैं दोबारा दिखा देता हूं, और हमने बस इतना प्रिंसिपल सोचा कि पानी के टब के अंदर यहां तक बैठ जाए कि पानी यहां तक आ जाए, राइट, इसके ऊपर जाएगा तो वो सांस ही नहीं ले पाएगा इससे नीचे, इसलिए, और उसका टेम्परेचर कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस, एक थर्मोमीटर चाहिए 40 डिग्री सेल्सियस। और ऐसे में जब वो 2 घंटा बैठेगा, शुरू शुरू में उसको ज़्यादा गर्म लगता है तो हम बोलते हैं 38 डिग्री पे पहले ही बैठ जाओ, और जब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है 40, फिर उसको जलता नहीं है, बॉडी अडेप्ट कर लेती है, राइट, फिर नहीं जलता है। 37 में जब वार्म था तभी बैठ जाओ, फिर धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं 40 डिग्री पे, फिर फिक्स कर देते हैं, घटना नहीं चाहिए, 40 डिग्री मेंटेन होना चाहिए। ऐसे जब पेशेंट बैठते हैं लगातार 2 घंटे और ऐसे कुछ दिनों तक बैठते हैं, तो हमने देखा है, हर बार देखा है, पेशेंट जिसकी किडनी फेल हो गई बोल रहे हैं कि ये तो मर जाएगा या किडनी ट्रांसप्लांट करो, रोज डायलिसिस के लिए जाता है या हर दूसरे दिन जाता है, तीसरे दिन जाता है, धीरे धीरे डायलिसिस उनकी बंद हो जाती है। फिर उस किडनी की फोटो जब दोबारा लेते हैं तो देखते हैं कि किडनी का साइज बढ़ गया, और फिर वो पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि हम तो आए थे किडनी फेलियर के, लेकिन हमारे तो जो आर्थराइटिस था वो भी ठीक हो गया, हमारी जो डायबिटीज है वो भी ठीक हो गई, हमारे जो ट्यूमर था वो भी चला गया, वो स्टोन था ना जाने कहाँ गायब हो गया।
तो बोलने का मतलब यह है कि आपको नहीं पता कि आपके बॉडी में कौन सी चीज कम है, कौन सी चीज ज्यादा। आपको सिर्फ इतना पता है कि आपको दर्द है, आपको सिर्फ ये दिख रहा है कि आपको सूजन है, आपको सिर्फ ऐसा नजर आ रहा है कि वो इंसान जब चलता है टेढ़ा होकर चलता है, उसकी हड्डियां टेढ़ी हो गई, या वो चल ही नहीं पा रहा है, पैरालिसिस हो रहा है, विजुअली आपको दिखाई दे रहा है। राइट, लेकिन ठीक कैसे करना है? आंसर इज वेरी सिंपल, दैट इज हीट एंड वाटर थेरेपी। और हीट एंड वाटर थेरेपी पहले मैं वीडियो में दिखाऊंगा कि हॉस्पिटल में कैसे करते हैं, लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूँ हॉस्पिटल में करेंगे, हमारे हॉस्पिटल में फीस है एक दिन की 15,000 रुपये। राइट, ये धीरज आप वहीं से आए थे, राइट, वहीं पे काम करते हैं हमारे साथ, राइट, 15,000 रुपये एक दिन की। सोचिए एक महीने की कितनी हुई, 4.5 लाख। राइट, ये तो बड़ा महंगा हो गया। राइट, और ऐसे 100 पेशेंट हुए तो कितने हुए? तो अब ये कि ठीक होना है तो ये घर में कर लो, अगर पैसे लुटाने हैं फिर ठीक होना है तो हमारे हॉस्पिटल में आ जाओ। ठीक है, तो दोनों रास्ते हमने खोले हुए हैं, बट अल्टीमेटली ठीक होना है। तो मैं दोनों रास्ते दिखा देता हूँ आपको कि लोग आते हैं हमारे हॉस्पिटल में वो भी ठीक होकर जाते हैं, और जो घर में करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ दो ही चीज याद रखिए दिमाग में कि बॉडी का सारा पार्ट यहां तक डूबा होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए 40 डिग्री, कितनी देर के लिए 2 घंटे के लिए। अच्छा, लेकिन 2 घंटे के लिए शुरू में लोग नहीं बैठ पाते, 15 मिनट में थकान होती है, क्योंकि जब वो बैठते हैं बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, मैं आपको दिखाता हूं उसको, तो हम बोलते हैं 15 मिनट बैठो, अगले दिन 20 मिनट बैठो, ऐसे करते करते 2 घंटे तक ले जाओ। तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटीज हैं, ये सारी ट्रेनिंग का मार्ट है, जो आपको बुक मिलेगी छोटी सी उसमें सारी छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं ताकि आप समझ जाएं। जितना आसान आपको लग रहा है उससे भी ज्यादा आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं कि इसमें कोई खास एक डॉक्टर आपके आसपास सुपरविजन करेगा तभी आप कर पाएंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए, कोशिश कीजिए, आप कर पाएंगे। खास तौर पे वो आप में से जो आए थे कि अपनी बच्ची का हड्डी पीछे टेढ़ी हो गई, डॉक्टर ने बोला सर्जरी करना है, मैं यही बोल रहा हूँ कि सर्जरी कभी मत कराइए। अभी तो फिर भी टेढ़े होने के बाद बच्चा सारा काम कर पाता है, वो बिल्कुल ही पैरालाइज्ड बच्चा हो जाएगा सर्जरी के बाद, और वो डॉक्टर तो हाथ खड़े कर ही देंगे, क्योंकि मैंने देखा है सर्जरी के बाद पेशेंट्स की हालत कितनी खराब हो जाती है। और तो आप लिखते रहिए प्लीज, वॉट एवर इज योर क्वेश्चन प्लीज कीप ऑन राइटिंग, विल ट्राई टू हैव ए क्वेश्चन आंसर राउंड। तो अब हमारे हॉस्पिटल में जो पेशेंट करते हैं वो क्या है, और उसके बाद ये घर पे जो करते हैं वो कैसे जुगाड़ करते हैं, वो भी आगे इसी वीडियो में आप देखिए, फिर मैं आगे चलता हूं आपको। ये आप देखिए विल्मा रुडॉल्फ, हीट एंड वाटर थेरेपी, वो जो बुक दिखाई थी बायोग्राफी, उसी का ये पेज आप देख रहे हैं यहां पे। अब चलते हैं हमारे हॉस्पिटल के वीडियो पे। आप देख रहे हैं यहां पे, ये वो पेशेंट हैं जो किडनी फेलियर पेशेंट हैं, कुछ कैंसर पेशेंट हैं जो मॉर्फिन पे रहते हैं, नहीं तो बहुत दर्द होता है, तो ये उस तरह के सारे पेशेंट्स हैं। और बस उनको इतना करना है कि 2 घंटे उनको बैठना है पानी में, जिस तरह से बैठे हुए हैं आराम से, कोई आधा घंटा बैठता है, कोई 1 घंटा बैठता है, कोई 2 घंटा बैठ पाता है, कोई दिन में 2 बार 1-1 घंटे कर लेते हैं, इस तरह से जितनी उनकी स्टेमिना उस हिसाब से वो बैठते हैं, जैसा आप देख रहे हैं। तो हर एक का आप देख रहे हैं कि लगभग गले तक पानी है, और पानी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पीछे जो इक्विपमेंट्स हैं उससे वो 40 डिग्री मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जयपुर में का हॉस्पिटल अगर जाएंगे तो जयपुर में इस तरह से लगे हुए हैं। तो ये फीमेल सेक्शन है, ये मेल सेक्शन है, मेल सेक्शन का आप ये फोटो देख रहे हैं। तो ये जोधपुर में जो हमारा हॉस्पिटल है वहाँ पे पेशेंट बैठे। तो देखिए हीट एंड वाटर वो आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स को एक्टिवेट कर सकती है, कर देती है। अब ये घर पे बैठे हैं, ये है भारत का जुगाड़, लेकिन रिजल्ट इसमें भी उतना ही आ रहा है, रिजल्ट में कोई कमी नहीं है। थोड़ा थोड़ा ज्यादा देर बैठ जाएगा, 2 घंटे की जगह 4 घंटे बैठ जाएगा। तो ड्रम को काटा इन्होंने, फ्रिज सेकेंड हैंड फ्रिज को दरवाजा हटा दिया, $2,000 का सेकेंड हैंड फ्रिज मिल गया, दरवाजा उनको तोड़ दिया। ये बाथरूम में इन्होंने एक दीवार लगा दी और गीजर से पानी, और इन्होंने उस तरह जुगाड़ किया। ये इंजीनियर साहब है, इन्होंने एक खास अपनी इंजीनियरिंग का कमाल दिखाते हुए डिज़ाइन किया, और ये लोगों को भी ये जिनको चाहिए वो इनसे ले सकते हैं। तो इस तरह से अमरावती का सर, हाँ अमरावती का, तो अच्छा बना ना। ये इन्होंने तो टीवी भी लगा दिया अपने बाथरूम में, 2 घंटे करेंगे भी क्या, चलो टीवी देख लेते हैं, है ना। और ये घर में जगह नहीं थी तो घर के बाहर इन्होंने जुगाड़ कर दिया, सीमेंट का ही बना दिया घर के बाहर। तो जो आप यहां पे देख रहे हैं, इन्होंने सिंटेक्स के टैंक को आधा डिवाइड कर दिया, सिंटेक्स का टैंक होता ना छत पे पानी का, उसको आधा डिवाइड कर दिया।
इन्होंने शायद अमेजन से कोई बड़ा सा टब मंगवाया और उसके अंदर अपना सिस्टम लगा के एक थर्मोस्टेट लगा के टेम्परेचर मेंटेन करते हुए ये करते हुए आप देख रहे हैं। तो प्लास्टिक का टब, प्लास्टिक के टब हैं जिसमें काफी सारे, नहीं जाएगा ऐसे नहीं जाएगा। इन्होंने गड्ढा खोदा और उसमें पॉलिथीन लगा के और उसी में इन्होंने, इनका फोन नंबर भी है अगर आप चाहते हैं 1500 रुपए में आपके घर के वहां गड्ढा खोद के बना के दे सकते हैं आपको, ये सर्विस भी है। हाँ तो बॉम्बे में तो पहले से ही खड्डे हैं बस उसमें लेट नहीं है। ये अजमेर के हैं ये पेशेंट, इन्होंने जुगाड़ से देखिए किस तरह बना रहे, बच्चा डायलिसिस फ्री है पूरी तरह से, जो हफ्ते में 2 बार डायलिसिस पहले चलता था, तो इन्होंने अपने घर के सामान से जुगाड़ से ये बनाया हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड हीट एंड वाटर थेरेपी, हम इसे बोलते हैं ग्रैड सिस्टम। थैंक यू। इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस। इसमें व्हाट इज वर्किंग, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस काम कर रहा है। प्रिंसिपली क्या काम कर रहा है, जैसे अभी मैं खड़ा हूं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेरे सिर के ऊपर है, दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो आपके सिर के ऊपर भी है। लेकिन जब ये पानी में बैठते हैं तो पानी के नीचे जो पानी में डूबा हुआ बॉडी उसमें पानी वाला प्रेशर भी है, दैट इज अबाउट 2%, 2% और ज्यादा प्रेशर है। ये जो प्रेशर डिफरेंस है बिटवीन अपर सिर और लोअर बॉडी, ये प्रेशर डिफरेंस बॉडी के अंदर कई सारे मेटाबॉलिक चेंजेस ले आता है, ब्लड रीडिस्ट्रीब्यूट होते होने लगती है, गर्मी की वजह से स्वेटिंग होने लगती है, हार्ट रेट बढ़ने लगता है और जो स्ट्रोक वॉल्यूम वो भी बढ़ने लगता है, और इससे एक खास तरह का प्रोटीन जो बॉडी में अधिक मात्रा में बनता है, दैट इज कॉल्ड हीट शॉक प्रोटीन। और जब ये अधिक मात्रा में बनता है तो धीरे धीरे वो जो ब्लड ब्रेन बैरियर के जो ब्रेक हो गया था या उसमें जो डैमेज हो गया था वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है और पेशेंट 1 महीने 2 महीने 3 महीने में पूरी तरह ठीक हो जाता है, एज सिंपल एज दैट। तो ये सारा जो मैंने आपको बताया, अगर आपको उसको डिटेल में पढ़ना है, इसमें आयुर्वेद का पूरा रेफरेंस देखना है, तो वो सारा इकट्ठा करके मैंने इस किताब में डाल दिया है। ये किताब आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड ऑफ ट्रांसप्लांट। ये किताब हालांकि हमने ज़्यादा फोकस किया इसमें किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स पे, मतलब जिनको किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया गया था बट दे डिड नॉट गो फॉर दैट, वो हमारे पास आ गए और उनको किडनी ट्रांसप्लांट को मोस्ट ऑफ देम को जरूरत नहीं पड़ी और वो बिल्कुल ठीक हैं। तो ये उनके ऊपर ये किताब बनी है, लेकिन हमने ये देखा है कि आते हैं जो भी किडनी फेलियर के पेशेंट आते हैं वो एक बीमारी नहीं होती, साथ में डायबिटीज भी है, साथ में हार्ट की बीमारी भी है, लेकिन जब वो ये थेरेपी करते हैं तो होलिस्टिक थेरेपी है, किडनी तो ठीक हो ही रही है साथ में बाकी बीमारियां भी ठीक हो रही हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट। नॉर्मली थैंक यू फ्रेंड्स, नॉर्मली क्या होता है कि भी हार्ट के लिए कहीं अलग डॉक्टर के पास जाओ, किडनी के लिए अलग डॉक्टर के पास जाओ, हमें बीमारी को नहीं ठीक करना है, हमें पेशेंट को ठीक करना है, और पेशेंट को ठीक करने का तो एक ही तरीका जो आपने अपने सामने देखा अभी राइट। और इससे क्या होता है, व्हाट हैपेंस जब आप ऐसा बैठते हैं, तो सबसे इंटरेस्टिंग बात आप करके देखिएगा, ऐसा नहीं कि जो बीमार है उन्हीं को करना है, आप हेल्दी, आप और मैं भी ये कर सकते हैं और करना चाहिए, क्यों, क्योंकि हेल्दी है तो सही, लेकिन हमारे बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन भरे हो सकते हैं। तो आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, अगर आप कर सके तो आप पहले अपना वेट लीजिए, आपका वेट कितना मान लो 60 kg 70 kg, फिर इस पानी में 2 घंटे बैठिए इस तरह से, और उसके बाद पानी से निकलने के बाद बॉडी क्लीन करने के बाद दोबारा वेट कीजिए, और आप देखेंगे 200 ग्राम 300 ग्राम 500 ग्राम 1 किलो 1.5 किलो इतना वेट पहले दिन ही कम हो जाता है। वो जो वेट कम हुआ वो कौन सा वाला वेट था, थैंक यू फ्रेंड, दैट इज द एक्सेस वेट, उसमें एक्सेस क्रिएटिनिन है, एक्सेस यूरिया है, एक्सेस यूरिक एसिड है, एक्सेस शुगर है राइट। तो हमें नहीं पता कि आप ज्यादा क्या कम है, हमें नहीं लेने देना, जो भी ज्यादा है वो बॉडी देख लेगी, आपने एक वातावरण दे दिया बॉडी को, दैट इज हीट एंड वाटर थेरेपी। तो जो वुल्मार रुडोल्फ का मैंने आपको दिखाया था, तो वो जजो वर्ल्ड रिकॉर्ड जिन्होंने बनाया, ओलंपिक में 3 गोल्ड जीते, दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली महिला, 12 साल तक वो चल नहीं पाती थी, पैरालिसिस था, उन्होंने यही किया कि अपने पैर को बहुत गर्म पानी में रखना शुरू कर दिया, अपने पैर को, उनकी जो प्रॉब्लम थी सिर्फ पैर तक ही लिमिटेड थी, ऊपर से वो छोटी थी उस वक्त, तो उनके लिए पूरे बॉडी की जरूरत नहीं, सिर्फ पैर बहुत गर्म पानी में 41 डिग्री सेल्सियस 42 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर अचानक 42 डिग्री सेल्सियस में पानी हाथ और पैर डालेंगे तो आपको जलेगा,
तो करना क्या है, 37 डिग्री से जब है तभी पैर रख दिया, धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर बढ़ता गया, आपका बॉडी अडेप्ट करेगा और धीरे धीरे वो ब्लड सर्कुलेशन से, जब कहीं गर्म होता है तो होता क्या है कि गर्मी से एक सिग्नल जाता है ब्रेन को कि यहां पे अलर्ट है, यहां पे रेड अलर्ट है, तो सारी इम्यूनिटी वहां खींची चली आती है और वहां जाके जो भी वहां पे करेक्शन है वो होना शुरू हो जाता है। आपको सिर्फ गर्मी पहुंचानी है उस जगह पे जहां पे कोई दिक्कत है, और वो जो भी दिक्कत है वो दिक्कत किसी टॉक्सिक की वजह से है या ब्रेन से सिग्नलिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा उसकी वजह से है, वो वजह ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो तो बॉडी करेगा। आपने माहौल दे दिया, लेट द बॉडी वर्क, राइट। जब इस तरह से आप करते हैं देन द थिंग्स स्टार्टेड वर्किंग। अब जैसे जो हमारे फ्लू के पेशेंट्स हैं, खांसी जुकाम बुखार वाले, उनको पूरे यहां तक नहीं बैठना, ना ही इतना जुगाड़ कर पाएंगे, उनको सिर्फ हम बोलते हैं, आप देखिए इसमें कि ऐसे बाल्टी, मान लो आपको, आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, जब भी आपको फीवर हो, बुखार हो, जब भी बुखार हो, अगर आप 42 डिग्री सेल्सियस में पानी में बाल्टी में पानी गर्म कर लिया और दोनों पैर इस तरह से अगर रख दिए और ऐसा अगर आप बैठे रहे और साथ में ये जिसे हम जलनीति बोलते हैं, वो पिचकारी जलनीति, जैसे जलनीति सुनते हैं तो कोई लोग बोलते हैं कि जलनीति हम नहीं कर पाएंगे, मैं भी जलनीति नहीं कर पाता हूं, तो मैंने क्या किया, सॉस का एक बोतल ले लिया और इस बोतल में 2 ml पानी भरा 39 डिग्री सेल्सियस पे, और ऐसे करके जब आप पिचकारी की तरह करेंगे तो अपने आप ही पानी जादू की तरह यहां जाएगा, अपने आप निकलेगा, पहली बार में, फर्स्ट टाइम में निकलेगा। तो हमने क्या किया, वो जो नोज इज द डोरवे टू ब्रेन, उसको अपने फेवर में यूज किया, नोज इज द डोरवे टू ब्रेन। तो जब आप ऐसे, तो जलनीति नोज को डोरवे टू ब्रेन यूज करती है, लेकिन आपको ठीक करने के लिए, मास्क आप लगाते हैं तब भी नोज इज द डोरवे, लेकिन अपने आप को बीमार करने के लिए। तो ये जो चीजें हैं, कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं मैं सिर्फ बता रहा हूं कि ये बहुत इफेक्टिव है और ये हर बार काम करती है, यही चीजों से हम लोगों को ठीक करते हैं। तो जैसे ही कोई फ्लू होता है किसी को, सर्दी जुकाम बुखार, तो सिंपल हीट एंड वाटर। लेकिन हीट एंड वाटर बॉडी को देना कैसे है, बहुत ही सिंपल, 42 डिग्री सेल्सियस में आपने देखा कि यहां पे वो बैठना है पानी में, और साथ में 39 डिग्री सेल्सियस पे 200 ml पानी लेके 100 ml इस नाक से, 100 ml इस नाक से आपको जलनीति करनी है, जो कि बड़ा आसान है। और तीसरा ये 80 डिग्री सेल्सियस पानी में पानी भर लेना, मतलब वेरी हॉट, उसको सिप करना है, वार्म वाटर नहीं बोल रहा, हॉट वाटर। आधा घंटे बाद आपका टेम्परेचर 1 डिग्री और बढ़ जाएगा, और उसके आधे घंटे बाद टेम्परेचर नॉर्मली हो जाएगा, जाके नीचे। फीवर इज नॉट ए डिजीज, फीवर तो आपका एक प्रोटेक्टर है, वो तो बॉडी का एक तरीका है वायरस से लड़ने का, तो आपने बॉडी को सपोर्ट कर दिया। तो हमने देखा कि 1 घंटे से 2 घंटे के अंदर पेशेंट का जो फीवर है उतर जाता है, लेकिन हमने फीवर उतारने की कोशिश नहीं किया, हमने क्या किया, उल्टा गर्मी दे के फीवर को और बॉडी को सपोर्ट कर दिया कि अच्छा फीवर चाहिए, लेट मी गिव आर्टिफिशियल फीवर, आर्टिफिशियल। तो मैं दिस, ये आप क्या सीख रहे हैं, हीट एंड वाटर थेरेपी, राइट, जो गंभीर बीमारी के लिए पूरे बॉडी में डुबोना है। और अगर इस तरह का फ्लू है, सर्दी जुकाम बुखार है, आपको लगता है कि 1-2 घंटे में ठीक होना है, तो ये उसका ये जुगाड़ है। लेकिन इस तरह से बहुत सारे अलग अलग मेडिकल सिचुएशन में अलग अलग जुगाड़ है, तो वो अलग अलग जुगाड़ अगर मैं इस तरह का ट्रेनिंग में लूं तो आज का पूरा दिन इसी में निकल जाएगा, वो छोटी सी बुक में मिल जाएगा। जो मेजर पार्ट है उतना मैं आपको बता देता हूं, ये ज्यूम करते हुए कि ये बेसिक चीज आपको समझ आ गई, बाकी किताब से आप पकड़ ही लेंगे चीजों को। तो याद रखिए, जब इस तरह से करते हैं तो बॉडी के अंदर जो भी पैथोजन गया, पैथोजन मतलब कोई वायरस गया, बैक्टीरिया गया, हमें नहीं पता पैथोजन गया भी कि नहीं, लेकिन हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई अनईजी लग रहा है, फीवर लग रहा है, सर्दी जुकाम बुखार हो गया, वो हमें दिख ही रहा है, तो हमने अपने आप को ऐसा कर दिया और ये एज्यूम कर लिया कि जो भी कुछ बॉडी के अंदर गया जो नहीं होना चाहिए, बॉडी उसे बाहर निकाल ही देगी, राइट। तो ये एज सिंपल एज दैट। और उस वक्त ऐसा करते हुए बॉडी का बहुत एनर्जी का लॉस होता है, तो हमें एक डाइट पे बॉडी को रखना होता है ताकि वो एनर्जी गेन कर ले, आपको ताकत वापस आ जाए, जिसे हम बोलते हैं डीआईपी डाइट। डीआईपी डाइट कितने लोगों को ऑलरेडी पता है, आप में से सभी को पता है, राइट। तो डीआईपी डाइट, फिर भी जो लोग नए हैं, आई विल टेक जस्ट 1 मिनट टू ब्रीफ, बाकी एक दूसरे सीख सकते हैं और छोटी बुकलेट में भी सीख सकते हैं। डीआईपी डाइट बताना बहुत जरूरी है, वो इसलिए क्योंकि कल हमने ये सोचा था कि आप में से ज्यादातर लोग वो स्प्राउट्स उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे, आपने स्प्राउट्स तो इंटरेस्ट दिखाया लेकिन आपने ज्यादा इंटरेस्ट दूसरे वाले खाने पे दिखाया, वीआईपी डाइट पे, राइट। तो लेट आने की वजह से, ठीक है। तो डीआईपी डाइट इज एज सिंपल एज दैट कि सुबह फल खाना है पेट भर के, राइट, इस फॉर्मूले के हिसाब से,
यानी कि अगर मेरा वेट 70 केजी, कम से कम 700 ग्राम कम से कम, और फलों में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, डायबिटीज के सिम्टम्स हैं, तो मीठे फल जरूर खाना है और पेट भर के खाना है। जैसे ही आप आम खाएंगे 2-3 किलो, डायबिटीज के पेशेंट वो तो सोचता है कि आप मुझे मार डालना चाहते हैं, लेकिन 2-3 किलो खाने के बाद जब वो ब्लड शुगर चेक करता है वो तो बिल्कुल नॉर्मल है, उल्टा दवा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो जो मीठे फल है ना वो डायबिटीज को ठीक करती है, आपको और बीमार नहीं करती है। मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि भाई आप फल में डिस्टिंक्शन नहीं कीजिए, जो भी फल आपको पसंद है वो खा लीजिए, बीमार है या हेल्दी है। स्टेप टू कि जब भी आप लंच करने बैठे या डिनर करने बैठे, पहले सलाद पेट भर के खा लीजिए। कितना? कम से कम तो आपके बॉडी के वेट के अनुसार, आपका बॉडी वेट इंटू 5। मेरा बॉडी वेट 70 kg × 5, 350 ग्राम तो खाना ही खाना है, और डिनर में भी ऐसे ही करना है। सिर्फ 2-3 चीज छोड़नी है, जो भी चीज जानवरों से निकल के आती है, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट क्यों ना हो, छोड़ दीजिए। जो भी चीज फैक्ट्री से निकल के आती है छोड़ दीजिए, और धूप में जरूर बैठिए रोज। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से इंसान ठीक हो जाता है, लेकिन ऐसा करने से वो बीमारी जिसे वर्ल्ड वाइज यूनिवर्सली बोला गया ला इलाज, वो भी बड़ी ही जल्दी ठीक होता है। मैं एक उदाहरण देके इसको, इस टॉपिक को समाप्त भी करता हूं। उदाहरण ये है डायबिटीज टाइप वन में बोला जाता है कि बच्चे को इंसुलिन शुरू हो गया, ये बात बड़ा ध्यान से समझिए, तो जीवन भर बच्चा जब तक जिंदा है उसे इंसुलिन पे ही रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनका पैनक्रियास काम करना बंद कर दिया है, अब वो दोबारा काम करना शुरू नहीं करेगा। याद रखिए, बॉडी का कोई भी ऑर्गन काम करना बंद करे तो दोबारा शुरू करता ही है, राइट? और लेकिन अगर वो आप तक पहुंच जाए ये बात कि काम करना बंद करे दोबारा शुरू हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं, तो किसी का धंधा जरूर बंद हो जाएगा। इसीलिए प्रमोट ये किया जाता है कि एक बार अगर आपका पैनक्रियास काम करना बंद कर दिया, यानी कि इंसुलिन लेना शुरू कर दिया बच्चों में टाइप वन में, तो जिंदगी भर लेना पड़ेगा। सुना ऐसा, ऐसे ही बोलते हैं ना, ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं बुलाता हूँ जयंत, आप हो यहाँ पे, और जयंत के पापा मम्मी प्लीज आए। तो जयंत और दैया और उनके पापा मम्मी, जयंत का ऐसा ही एक केस है, और एक साल पहले डॉक्टर ने ऐसा कुछ बोला था, आप अपने ही भाषा में आप बताइए। सोनीपत से आए आप? मैं जयंत की मम्मी सोनीपत से आई हूँ। मेरे बेटे को पिछले साल अगस्त में हमें पता चला था कि इसको डायबिटीज हो गई है, और उस समय इसका शुगर लेवल 550 था, और हमने HbA1c टेस्ट कराया तो वो 11.7 आया। डॉक्टर ने हमें 3 दिन वहाँ पे एडमिट रखा सोनीपत में ही, और उन्होंने हमें इंसुलिन के वो 2 पेन होते हैं वो दिए, और हमें उनको लगाना सिखाया। 4 टाइम एटलीस्ट बोला ही था कि वो देने ही है आपने। इससे हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए, तो फिर हम घर आने के बाद जैसे हमने यूट्यूब पे सर्च किया तो सर की वीडियो मिली। हमने उसको सोचा कि रिस्क तो है ही, इंसुलिन देंगे तब भी है और नहीं देंगे तब भी है, तो हमने उसको अवॉइड करते हुए उसको कहा। 10 दिन के बाद ही जैसे हमने फिर ये यूट्यूब से पता लगा DIP डाइट का, उसको फॉलो करना स्टार्ट किया, हमारे बेटे का शुगर लेवल बिना इंसुलिन दिए काफ़ी रिड्यूस होने लगा, तो हमने उस इंसुलिन के जो इंजेक्शन थे उनको कम कर दिया। आप झूठ मानते होगे कि मैं ऐसा बोल रही हूँ, बिल्कुल 1 वीक में हमारे इंसुलिन बंद हो गए। और अब 1 साल हो गया है, इसको कभी भी हमें इंसुलिन नहीं देना पड़ा है, और इसका शुगर लेवल कभी भी 150 से अबव नहीं गया है बिल्कुल भी। जब हमने ये DIP चार्ट फॉलो करना स्टार्ट किया, ये कोर्स लिया, उसके बाद भी हम वही है, पेरेंट्स हैं तो घूमते तो हैं ही। हम अपने बेटे को लेके काफ़ी जगह घूमे, बहुत डॉक्टरों के पास गए, हर किसी ने हमें यही कहा कि आपने इसको इंसुलिन देने हैं, यही इसका लाइफ टाइम इलाज है अदरवाइज इस बीमारी का। इंडिया तो क्या, अमेरिका में भी कोई इलाज नहीं है, और अभी नहीं 10 साल तक नहीं है, ऐसा ऐसा हमें बोला गया। लेकिन हमने कहा कि हमारे बेटे की नॉर्मल चल रही है तो हम इंजेक्शन क्यों देंगे, वो बोले कि आप पागल हैं, आप अपने बेटे को जिंदा ही नहीं रखना चाहते, हमें ऐसा ऐसा सुनने को मिला। हमने कहा कि देखो आप हमारा, हम चार्ट बनाते थे डेली का, मैं डेली चार्ट बनाती थी इसका, हमने दिखाया कि आप देखिए कभी भी इसकी 200 है, अब वो गई ही नहीं है, तब स्टार्टिंग थी। तो फिर उन्होंने कहा कि ये हनीमून पीरियड आता है, किसी बच्चे में 1 मंथ का आ गया, किसी में 2 मंथ का आ गया, तो फिर हमें वही टेंशन तो हो ही जाती है।
हमने डॉक्टर टीम से कंसल्ट किया, मेन गाइडर हमारी ललिता मैम रही हैं, उन्होंने काफी कोऑपरेट किया, हमें बहुत अच्छे से गाइड किया। मैम ने कहा कि आप फॉलो करते रहिए, आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सच में आज तक हमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। और मैं ये कहती हूँ कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो कहाँ है, इसके इतने गुड इफेक्ट्स हैं कि मेरे बेटे में मैं ये देखती हूँ कि इतना ज्यादा एक्टिव और स्टेमिना, कंसंट्रेशन पावर, हर किसी चीज में इफेक्ट हुआ है, हर कोई चीज इंक्रीज हुई है। इसके जो स्टेमिना है, पहले जब ये बिल्कुल ठीक था तब तो हमें पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, तब भी ये 200 मीटर तक की रनिंग नहीं कर पाता था, लेकिन आज मेरा बेटा ये 9 से 10 किलोमीटर की डेली रनिंग करता है। तो मैं ये कहती हूँ कि जो सर की गाइडेंस मिली हमें, सर तो हमारे लिए भगवान है। मैं सर का धन्यवाद करने के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। और कुछ का कहना होता है कि जैसे बहुत महंगी पड़ती है, इतनी फीस है, ये मैं ये कहती हूँ कि हमने DIP चार्ट लेने के बाद भी हमने डॉक्टर से विजिट किया तो उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे ही 3-3 दिन के गैप पे बुला रहे हैं और क्या कर रहे हैं, सिर्फ इंजेक्शन लगाना सिखा रहे हैं, उसे डबल फीस हमने वहां दे दी। तो ये होता है कि हमें लगता है कि नहीं वहां पे एक साथ दे रहे हैं कि इतना है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप अगर किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है या किसी रिलेटिव्स के हैं तो प्लीज आप इस चीज को जरूर फॉलो करें, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं ये कहती हूँ कि सच में हमें अपना मेरे बेटे की जिंदगी बन गई। अगर मैं इंजेक्शन देती तो मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा होता, ये ऐसे कर पाता। इम्यूनिटी सिस्टम भी इतना स्ट्रोंग हो गया है इसका कि अभी तक ये कभी, इसको एक बार 2 दिन के लिए बुखार हुआ था जनवरी में, अदरवाइज अब 1 साल हो गया इसको कभी बुखार, कोल्ड, कफ कुछ भी नहीं हुआ है बिल्कुल। हाँ जी, ये 11 ईयर्स का हो जाएगा अब, जब हुआ इसका 10 ईयर्स का था, ये अगस्त में हुआ था इसको, जुलाई में इसका बर्थडे आता है, जयंत जुलाई 25 को बर्थडे। एक बार हाथ हिला के दिखा दो। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू धन्यवाद। तो आपने देखा ये जो डाइट है, ये कोई मेरा बनाया हुआ डाइट नहीं, हम तो इसको DIP डाइट बोलते हैं, लेकिन है क्या, फल और सब्जी तो है, राइट। लेकिन एक बात मैं अलर्ट भी करना चाहता हूँ आपको, एक मुसीबत पड़ सकते हैं, अगर आपने किसी को बोला कि आप ये DIP डाइट ले लीजिए आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी, ऐसा आपने बोल दिया तो जैसे कि मैं बोलता रहता हूँ तो हमारे ऊपर FIR हो गया ऑलरेडी, राइट। हाँ, ड्रग एंड मैजिक रेमिडी एक्ट, ये बोला कैसे कि आपकी डायबिटीज ठीक हो सकती है, मैं गया पेशी हुई कि आपने बोला कैसे, मैंने ठीक हो नहीं सकता, हो गया देखो, नहीं आपने बोला कैसे, तो मैं क्या करें, बोलना भी तो चुपके बोलो किसी को पता ना चले। तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, मेरे ऊपर तो FIR चल रहा है, केस चल रहा है हमारे नीलेश ओझा जी की वजह से, आज हम यहाँ पे, नहीं तो अभी जेल में ही होते, राइट। तो लेकिन या तो आप नीलेश ओझा जी से दोस्ती कर लीजिए, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक आप धीरे से बोलिए कि आप ठीक हो सकते हैं, DIP डाइट फॉलो कर लीजिए। जैसा अभी मैंने जून में फिर अपने बेटे का HbA1c करवाया था, मैं 3 टाइम्स करवा चुकी हूँ, उसके बाद इसका हमेशा नॉन डायबिटीज की रेंज में आ रहा है, 5.5 आ रहा है। तो मैं 3rd टाइम फिर जून में करवाया था मैंने, अभी 21 जून को मैं डॉक्टर के पास गई, जिनके पास स्टार्टिंग में गई थी, कि सर इसका HbA1c अभी देखो नॉर्मल आ रहा है, कि जैसे बोल रहे थे, बोले कि हाँ हो सकता है इसकी सारी बीटा सेल डैमेज नहीं हुई, उन्होंने ऐसा बोला कि इसकी बीटा सेल डैमेज नहीं हुई होंगी सारी। तो मैंने कहा कि सर हमें स्टार्टिंग में क्यों नहीं गाइड किया गया कि आप ऐसा फॉलो कीजिए तो क्या पता आपका बच्चा ठीक हो सकता है। तो डॉक्टर के पास भी ऐसा कुछ जवाब नहीं है, उन्होंने कहा कि कैसे किया आपने, मैंने कहा कि हमने सिर्फ डाइट चार्ट को फॉलो किया है, सिर्फ खाने पीने में डिफरेंस किया है। तो वो भी अचंभित थे इस चीज़ से। देखिए, किसी बच्चे को जब आप बोलेंगे ना तो DIP डाइट में आपको एक चीज ऐड करना है, ठीक है ना। वैसे तो हमारे पास आएंगे बच्चे तो हम 21,000 रुपये लेते, इनसे भी लिया था, राइट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 21,000 रुपये ना उनका लगे तो एक फॉर्मूला है, DIP डाइट को समझ लिया तो बच्चों के लिए ये रूल है, अगर बच्चा 4 से 10 साल के बीच में है तो DIP डाइट इंटू 2, छोटे बच्चों की खुराक ज़्यादा होती है ना,
तो जो भी डीआईबीडेट का फॉर्मूला मैंने बताया था इनटू टू कर देंगे, दैट इज फॉर ईयर 4 to 10। और अगर बच्चा 11 से 17 साल के बीच का है तो डीआईबीडेट का मैंने जो फॉर्मूला बताया थोड़ी देर पहले फ्रूट का इंटू 10 वो जो भी कुछ बताया उसके बाद भी डेढ़ गुना और ज्यादा, तो ये 11 17 साल के बच्चे का डाइट बन गया। 18 साल से तो फिर ये सेम ही डाइट है जो मैंने बताया। तो बस इतने बताने के हमें तो 21,000 मिल जाते हैं, राइट। तो खैर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ठीक होना बहुत ही आसान है, बीमार रहना मुश्किल है, लेकिन ठीक होने का जो आसान तरीका है ना वो लोगों तक पहुँचाना ये थोड़ा मुश्किल काम हो गया है। वो उसके लिए ऐसे नियम बना दिए, अगर आप ऐसे पहुँचाएंगे तो आपके ऊपर कई सारे धाराएं कानून लग जाएंगी। आज का दिन मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुफ्त में भगवान ने दिया है वो है हीट एंड वाटर। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है जहां हम सब गलती करते हैं, वाटर, पानी। पानी अगर में बैठने से ही इतना फायदा हो सकता है तो पानी सही पीने से कितना फायदा हो सकता है और गलत पीने से कितना नुकसान हो सकता है। तो इसके जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर नमिता, तो आगे मैं उनको दूंगा। तो ये वाटर कैसे आज के बाद आपको इस्तेमाल करना है ये आपको बहुत ही ध्यान सुनना है, और मैं उम्मीद करता हूँ ना केवल आप सुनेंगे, इसको अपनाएंगे अपने आप के लिए, और जब आपको फायदा दिखेगा तो आप अपने आसपास को जरूर बताएंगे। इस उम्मीद के साथ डॉक्टर नमिता प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड कैरी ऑन। थैंक यू डॉक्टर बियासी, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो आज के जो ये थेरेपी है अगर आपने ये समझ ली, इसमें ना कोई कॉस्ट है एंड इट्स अ मैजिकल थेरेपी, सभी बीमारियों का सिर्फ एक ही इलाज है। तो मैं बोलती हूँ कि कोरोना आता है वैक्सीन आती है, सेकेंड डोज कोरोना म्यूटेट होता है सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन आती है, डेल्टा वेरिएंट नॉक करता है तो बूस्टर डोज आती है। ये चल क्या रहा है हम लोगों की जिंदगी में? कभी आपने सोचा है कि जिंदगी भर क्या बंकर में छिप कर बैठे रहेंगे? मिडल एजेस में भी अगर कोई बीमारी होती थी तो सब लोग भूत प्रेत या डेमन्स को ब्लेम करते थे, और आजकल किसी को हल्का सा भी फीवर आता है तो फट से वो लैब की तरफ भागता है कि ब्लड टेस्ट करा के देखते हैं कौन सा फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर कोई हवा में नया वायरस आया है। अरे ये तो खुद से खुद की लड़ाई है, ये सारा इम्यूनिटी का लोचा है, इसमें बाहर वाले का कोई भी रोल नहीं है। क्या आप अपने इस शरीर की ताकत को जानते हैं? इस दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं और आपके इस छोटे से शरीर में 80 बिलियन सेल्स हैं जो एक स्किन से कवर्ड हैं। अगर ये सारे सेल्स हार्मनी में काम करें तो कोई भी आपको सुपरमैन या सुपर विमेन से बनने से नहीं रोक सकता। मगर आज तो आप एक मच्छर से भी डरते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा सारा फोकस आउटर ब्यूटी पर है, ब्रांडेड क्लोथ, रिच कार्स, और अंदर से हमारा शरीर बीमार होता जा रहा है। तो अगर मैं अभी ये बोलूं कि ये कॉन्फ्रेंस आदिवासी स्टाइल में रखो बिना कपड़ों के तो सारा सबका कॉन्फिडेंस फुस हो जाएगा। तो जब एक स्पर्म और ओवा दोनों मिलकर एक नन्ही सी जिंदगी की शुरुआत करते हैं माँ के पेट में, तो ये नन्ना बच्चा 96% पानी का बना होता है, और जिस एमनियोटिक फ्लूइड में ये 9 महीने तैरता है उस एमनियोटिक फ्लूइड की कंसिस्टेंसी बिल्कुल सी वाटर जैसी होती है। जब ये बच्चा पैदा होता है तो ये 80% पानी का होता है, एडल्टहुड में 70% पानी का होता है नेक्स्ट, और जब हम लोग मरने लगते हैं ओल्ड एज में तो ये 50% पानी का होता है। तो आखिर ये पानी कम क्यों होता जा रहा है? हमको थोड़ा इसके बारे में और समझना पड़ेगा। तो यूनिवर्स के कुछ लॉज हैं, एज आउटसाइड सो इनसाइड, एज अबव सो बिलो। तो अंदर के पानी को समझने के लिए हम इसके बाहर के पानी को देखते हैं। अगर आप बाहर देखते हैं तो पानी ओशन, रिवर, लेक्स की तरह होता है, इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर भी जो सेल्स के अंदर का पानी है उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल रिवर के पानी जैसी है, और जो हमारे सेल्स के बीच का पानी है या जो हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जिसमें हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ओशन के पानी की जैसी होती है। और हमारी बॉडी में कुछ रुका हुआ पानी है उसको हम पॉन्ड का पानी कह सकते हैं, उसी में धीरे धीरे काई जमने लगती है और बदबू आने लगती है, और यही है सारा डिजीज का राज, उसी को हम लोग डिजीज बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपने पानी को ठीक कर सकते हैं तो हम अपनी डिजीज को भी ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो हमारे शरीर में जो मसल्स होती हैं वो 75% पानी की बनी है, ब्रेन हमारा 85% पानी का बना है, ब्लड 82%, हमारे लंग्स जो हैं वो 90% पानी के बने हैं, और इवन हमारी जो बोन्स हैं वो भी 28% पानी की बनी है।
तो अगर हम हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को करने के लिए, जैसे कि हमारा बॉडी में यूरिन बनता है, पसीना आता है, खाना डाइजेस्ट होता है, एक्सपिरेशन में भी, रेस्पिरेशन में हम लोगों का 1 से 1.5 लीटर पानी डेली निकल जाता है, तो अगर कोई पूछता है कि हमें दिन में कितना पानी पीना चाहिए, तो अगर हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में 2 से 2.5 लीटर पानी डेली बेसिस पर निकलता है, तो मिनिमम टू मिनिमम हमें 2 से 2.5 लीटर तो पानी पीना ही पड़ेगा। और उसके ऊपर भी अगर हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जैसे डांस करते हैं या हम लोग धूप में काम करते हैं, तो हमारे को अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना ही पड़ेगा। बट अगर हमारा बॉडी में वाटर की क्राइसिस होती है, तो हमारी बॉडी में, इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है कि हम लोग अंगूर से किशमिश बनने लगते हैं, हम लोग जवानी से बुढ़ापे की तरह मूव करने लगते हैं। तो अगर हम लोग इस, अब आप बोलेंगे कि हम डिहाइड्रेशन को टेस्ट कैसे करें, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड है या डिहाइड्रेटेड है? उसके लिए किसी लैब में जाने की और पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सा तरीका है, आप अपने यूरिन को ऑब्जर्व करना शुरू करिए। अगर आपका यूरिन कलरलेस है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी टोटली हाइड्रेटेड है। अगर यूरिन थोड़ा येलोइश टिंच पर आने लगता है, तो इसका मतलब डिहाइड्रेशन शुरू हो गई है। और अगर वो डार्क येलो या ऑरेंजिश आता है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी सीवियरली डिहाइड्रेटेड है। अब अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, तो ये किस तरह से डिजीजेस में मैनिफेस्ट करती है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। आपका ब्रेन सबसे चलाक ऑर्गन है आपकी बॉडी का, और पानी के बिना उसका गुजारा नहीं है। तो जब आपका शरीर डिहाइड्रेटेड हो जाता है, वो कहीं ना कहीं से पानी की चोरी करने लगता है। और सबसे पहले लीस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन हमारा मसल्स है, इसीलिए जो ब्रेन है वो मसल से पानी चुराने लगता है। तो आप में से जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर आप अपनी हिस्ट्री देखेंगे, बचपन से देखेंगे, तो फर्स्ट सिम्टम हर बंदे की लाइफ में एक ही होता है, जनरल वीकनेस या उसको मस्कुलर क्रैम्प्स आते हैं। और अगर हम लोग अब समझते नहीं है कि हमको वीकनेस हो रही है, क्योंकि हर एक की बेड साइड पे कॉम्बीफ्लेम का पत्ता बचपन से ही रखा रहता है, जैसे ही मस्कुलर पेन होता है, फट से एक एनाल्जेसिक पॉपअप कर लेते हैं। सेकेंड, जब अभी भी हमारे ब्रेन को पानी की जरूरत पड़ती है, मसल से वो और पानी खींच नहीं सकता है, तो सेकेंड ऑर्गन आता है स्टमक। क्योंकि हमारी डाइजेशन में बहुत ज़्यादा पानी यूज होता है, तो हमारा जो ब्रेन है वो स्टमक को कम पानी सप्लाई करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए हमारा खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और हमें एसिडिटी होने लगती है। जब यही गैस हमारे ब्रेन में चढ़ती है, हम इसको माइग्रेन का नाम देते हैं। और जब ये दिल के पास जाती है, हम इसको हर्टबर्न बोलते हैं, और हम ब्लोटिंग वगैरह के सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। मगर हमारी बॉडी बहुत मैजिकल है, कम से कम ये 15-20 सालों तक इन सिम्टम्स को कॉम्पेंसेट करती है, और ऑफ एंड ऑन आपको ये सब सिम्टम्स लाइफ में आते रहते हैं। ये मैं ये दावा करती हूँ कि हर आदमी ने मुट्ठी भर भर के यहाँ पर एंटा एसिड्स खाई होंगी, और पता नहीं अपनी लाइफ में कितना डाइजीन की बोतल पी होंगी। और अभी भी हम लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि हमारे शरीर में पानी की कमी हो रही है। तो धीरे धीरे हमारा जो ये पानी है, लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सूखने लगता है, लोअर इंटेस्टाइन में सूखता है, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन भी हमारी सूखने लगती हैं। और सबकी लाइफ में नेक्स्ट सिम्टम आएगा कॉन्स्टिपेशन। तो गैस्ट्राइटिस के बाद आप सब लोग अपनी लाइफ हिस्ट्री देख लें, सबका एक सेम पैटर्न है, क्योंकि हमारी बॉडी सबकी सेम है। और अगर हम अभी भी हम ध्यान नहीं देते हैं, तो नेक्स्ट हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम इफेक्ट होने लगता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इफेक्ट होने से हमारे हाथ और पैर की नसें सूखने लगती हैं। तो सबकी लाइफ में क्या होगा कि एक्सट्रीमिटीज जो हैं वो ठंडी होने लगेंगी। सब बोलते हैं कि हमारे हाथ पैर ठंडे होने लगे हैं, और जो खून की नसें हैं वो भी पतली होने लगती हैं, और हमारा खून गाढ़ा होने लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। और उस खून को दूर तक पहुंचाने के लिए हमारे हर्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मगर हम लोग क्या करते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमारा ब्लड प्रेशर देखता है, और हमको ज़िंदगी भर के लिए हाइपरटेंसिव मरीज घोषित कर देता है, और डेली हम लोगों को एक गोली पॉपअप करनी पड़ती है। अब होता क्या है कि हर्ट को प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि हमारे सब ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करना पड़ता है, और जैसे ही वो दवाई खाता है, ऊपर से आप दूसरी दवाई खा लेते हैं, तो हमारी जो बॉडी है वो टोटली कन्फ्यूज़ हो जाती है कि ये चल क्या रहा है। और एक मैं और बताती हूँ कि एलोपैथी में हम लोग बोलते हैं कि जो हाइपरटेंशन का रीज़न है वो इडियोपैथिक है। इडियोपैथिक मतलब विदाउट एनी रीज़न। तो उनको तो कोई रीज़न ही नहीं पता एलोपैथिक डॉक्टर को, वो बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, बट दे डोंट नो द रीज़न कि ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है। अभी भी हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद हमारा नेक्स्ट होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, हमारा इफेक्ट होना शुरू होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन में हमारी एक्सहेल्ड एयर में बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस होता है। मेरे को भी पानी चाहिए, वाटर ब्रेक फॉर 2 सेकेंड्स।
नेक्स्ट सिम्टम आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में. अब क्या होता है कि एल्वियोलाई से हमारा एयर एक्सचेंज होता है, तो ब्रेन बोलता है भाई कम एक्सचेंज करो, इतना सरफेस एरिया इसका कम करो, तो हमारे लंग्स में म्यूकस सेक्रेट होने लगता है, तो हमको ब्रेथलेसनेस हो जाती है. मैं ये गारंटी से बोलती हूँ, अगर किसी को भी आस्थमा का अटैक पड़े और वो अपनी जीभ पर चौथाई चम्मच नमक रखे और 2-3 ग्लास पानी पी जाए, तो उसको कोई इनहेलर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. अब अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी हमारा ब्रेथलेसनेस वगैरह सब सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं और दवाई खाने की और डॉक्टर्स के पास जाने की तो हमें आदत है, तो हम चले ही जाते हैं. इसके बाद नेक्स्ट सिम्टम हमारा क्या इफेक्ट होता है, अभी क्या है ना कि ब्लड प्रेशर आपका बढ़ गया तो एलोपैथी डॉक्टर आपको बोलेगा सॉल्ट इनटेक बंद कर दो. सॉल्ट इनटेक बंद कर दिया, उससे क्या हुआ कि सेल के अंदर का पानी रिवर जैसा है, सेल के बाहर का पानी ओशन जैसा है, दोनों पानी मिल गए, ऑस्मोटिक प्रोसेस जो है बॉडी का सारा खत्म हो गया, तो जो हमारा पानी है वो टिश्यूज में सीपने लगता है. तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पेशेंट्स की आती है कि उनके पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, उनके लोअर एब्डोमेन में स्वेलिंग हो जाती है तो उसको वेसाइटिस का नाम देते हैं, और जब उनके चेस्ट में स्वेलिंग होती है तो उसको वो प्लूरल इफ्यूजन का नाम देते हैं. नेक्स्ट, अब क्या होता है कि हमारी बॉडी का पीएच गिरने लगता है, धीरे धीरे पीएच हमारी बॉडी का एसिडिक होने लगता है. तो जब बॉडी का पीएच एसिडिक होता है तो बेसिकली सेलुलर लेवल पे सोडियम अंदर होता है, पोटेशियम बाहर होता है, और इनका एक्सचेंज होता है. अब आदमी को सॉल्ट खाने के लिए तो मना ही कर दिया गया है, तो उसका पोटेशियम लेवल बहुत ज़्यादा राइज करने लगता है, क्योंकि वो सोडियम को ढूंढता है एक्सचेंज के लिए. और जो हमारे डायलिसिस के पेशेंट हैं उनका जैसे ही पोटेशियम लेवल बढ़ता है वो लोग पोटेशियम बाइंडर्स लेने लगते हैं और डायलिसिस की तरफ एक कदम और बढ़ा देते हैं. और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि जब एसिडिक मीडियम हो जाता है तो माइक्रोब्स के लिए वो ब्रीडिंग ग्राउंड होता है, तो इस समय हमारी बॉडी में सेकेंडरी इन्फेक्शन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. लास्ट ऑर्गन हमारा होता है ब्रेन. अब जब ब्रेन भी अपने हथियार डाल देता है, क्योंकि बॉडी में तो बहुत ही कम पानी हो गया है, तो उसमें क्या होता है कि अब सबसे बड़ा मॉन्स्टर आता है एंजाइटी और डिप्रेशन का, और हमारे नर्वस डिजीजेज आती हैं जैसे अल्जाइमर, पार्किंसोनिज्म. अरे हम डॉक्टर होके ये नाम नहीं बोल पाते, आम आदमी तो क्या बोलेगा, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी डिजीजेस का नाम देते हैं और आदमी को डरा के रख देते हैं. एक बहुत बड़ा मिथ है, सब लोग सोचते हैं कि हम लोग जो नारियल पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, वो हमारी वाटर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर देता है, क्योंकि प्लेन वाटर कोई पीना नहीं चाहता, क्योंकि वो एक तो टेस्टी नहीं लगता है लोगों को, वो कुछ ना कुछ उसमें डालते रहते हैं. बट जितना भी हम लोग इस तरह के लिक्विड्स पीते हैं उनको खुद डाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है, तो नो फ्लूइड कैन रिप्लेस वाटर, दिस इज अ रूल, ये आपको समझना पड़ेगा, चाहे वो नारियल पानी हो, चाहे वो चाय हो या कॉफी हो. नेक्स्ट, अब ये भी बहुत जरूरी है कि हमें पानी किस समय पीना चाहिए. तो इस पर मैं बोलती हूँ कि अगर आपने कभी अपने शरीर से बात करनी शुरू करी होगी तो आपकी बॉडी आपको खुद ही बताएगी कि आपको पानी कब पीना चाहिए. लेकिन फिर भी, क्योंकि जब आप रात को सो जाते हैं तो आपकी बॉडी में रिपेयर एंड मेंटेनेंस चलती है और दिन भर की टूट फूट को वो रिपेयर करता है, तो उसको बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है. तो सुबह सुबह उठकर कम से कम 2-3 ग्लास पानी तो पीना ही चाहिए अपनी बॉडी की धुलाई और सफाई करने के लिए. और फिर खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पीना चाहिए और खाना खाने के 2 घंटे बाद पानी पीना चाहिए. क्योंकि अगर आप खाना खा पानी पियेंगे तो बहुत सिंपल सा रीज़न है, जब आपका खाना पेट में जाता है तो अग्नि तत्व सेक्रेट होता है और आप उसको बुझा देते हो पानी पी पी के, तो खाना कहाँ से डाइजेस्ट होगा, फिर आप कहते हो कि हम बीमार हो गए. तो पानी कौन सा पीना चाहिए, ये भी बहुत सवाल है कि बहुत सारे पानी होते हैं. देखिए, पानी आज तक हमने सुना है कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस होते हैं, बट एक और स्टेज है पानी की जो सॉलिड और लिक्विड के बीच में आती है, जिसकी कंसिस्टेंसी जेल लाइक होती है, और उसको स्ट्रक्चर्ड वाटर बोला जाता है. स्ट्रक्चर्ड वाटर का मतलब है कि ऑर्गेनाइज्ड वाटर विदाउट माइक्रोब्स. अब ये स्ट्रक्चर्ड वाटर बनाने के लिए हम लोगों को रॉ मटेरियल कौन सा लेना चाहिए, या तो आरओ का पानी है, या एकोगार्ड का पानी है, बोरवेल का पानी है, नल का पानी है. मगर एक पानी का TDS होता है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स. टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स हमेशा 100 से 300 के रेंज में होने चाहिए. अगर आप आरओ का पानी का कभी TDS चेक करेंगे, कभी वो 10 भी नहीं होता, वो तो उसमें से सब कुछ ही निकाल लेते हैं.
और अगर आप बोरवेल के पानी का TDS चेक करेंगे तो वो 800 तक चला जाता है। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे RO का या फिर बोरवेल का पानी पीते रहेंगे तो आपका ऑस्मोटिक सिस्टम ठप हो जाएगा और धीरे धीरे आपकी बॉडी कोलैप्स कर जाएगी। अब बात यह है कि नल का पानी, नल के पानी में क्या प्रॉब्लम है कि एक तो वो क्लोरिनेटेड वाटर होता है, उसमें क्लोरीन की स्मेल होती है, और दूसरा वो इतना टेढ़ा मेढ़ा सड़े हुए ना पाइप्स लाइन से आता है तो उसका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो सबसे अच्छा ये है कि आप नल का पानी लें मगर उसको स्टैंडिंग वाटर बनाएं। कम से कम 24 घंटे नल के पानी को मटके में रखना चाहिए। अब स्टैंडिंग वाटर तो बन गया, अब उसको स्ट्रक्चर्ड वाटर कैसे बनाएं? तो स्ट्रक्चर्ड वाटर बनाने के लिए कॉपर प्लेट्स आती हैं। कॉपर या सिल्वर से आप लोग अपने पानी को स्ट्रक्चर्ड वाटर बना सकते हैं, क्योंकि कॉपर के आउटर शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कॉपर प्लेट जो होती है वो माइक्रोब्स को किल कर देती है। तो आपका स्टैंडिंग वाटर विदाउट माइक्रोब्स बन जाता है एंड दैट इज़ द स्ट्रक्चर्ड वाटर। तो एक और तरीका, एक और मैं बताना चाहती हूँ, जो स्प्रिंग वाटर होता है वो स्ट्रक्चर्ड वाटर से भी अच्छा है, क्योंकि स्प्रिंग वाटर में स्ट्रक्चर्ड वाटर प्लस वाइटैलिटी है, मूवमेंट है। पानी में जब मूवमेंट होती है तभी उस पर एनर्जी आती है, और अगर पानी में मूवमेंट नहीं होती है तो पानी तो अच्छा है स्ट्रक्चर वाटर बट विदाउट मूवमेंट इट विल नॉट गिव यू द एनर्जी। तो उसके लिए एंशियंट ट्रेडिशनल मेथड है, एक 3-पॉट मेथड। उस मेथड में क्या करते हैं कि एक के ऊपर एक घड़ा रख देते हैं, और जिस तरह से झरना पत्थरों से सैंड से गिरता हुआ आता है, हम इन घड़ों में इसी तरह से पेबल सैंड चारकोल डाल सकते हैं, और ऊपर के दो घड़े में हम लोग छेद कर देते हैं, और रात भर ये पानी टपक टपक के नीचे वाले घड़े में इकट्ठा हो जाता है, तो बन जाता है हमारा ये स्प्रिंग वाटर। नेक्स्ट, तो ये पहला वाला जो फोटो है उसमें दिखाया है कि किस तरह से आप, ये मैं सैंपल के लिए लेके भी आई हूँ, ये मार्केट में अमेजोन पे मिलता है। ये तो कॉपर की प्लेट है, तो आप अपने ये घड़े के पानी में रख सकते हैं, और जो आप बॉटल्स में पानी पीते हैं तो उसमें आप अपना स्टील की बॉटल में इस तरह की कॉपर की रॉड हमेशा डाल के रखिए, तो चाहे कहीं का भी पानी हो तो आपका पानी ठीक हो जाएगा। बट कॉपर की बॉटल्स अलाउड नहीं है, क्योंकि आप बोलेंगे कि वैसे तो आप कॉपर से बोल रहे हैं तो कॉपर की बॉटल में ही पानी पी लें, क्योंकि देखिए कॉपर की बॉटल का मुंह बहुत छोटा है और कॉपर की बॉटल अंदर से साफ ही नहीं हो सकती, क्योंकि जब भी कॉपर में हम पानी डालते हैं तो वो सारे माइक्रोब्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो डेली कॉपर को साफ करना बहुत ज़रूरी है, और छोटे मुंह वाली बोतल कभी भी साफ नहीं हो पाएगी। दूसरा कॉपर, हाँ कॉपर का लोटा आप यूज कर सकते हैं, बट मैं वही बता रही हूँ कि उसको डेली साफ करना बहुत जरूरी है, वो भी खट्टी चीजों से। खट्टी चीजें मतलब या तो आप उसको इमली से साफ करें, टैमरिंड से, और नहीं तो नमक और नींबू से। अगर आप, क्योंकि आजकल घर में कोई लेडी तो किचन में जाती नहीं है और सर्वेंट पर आप फेस कर नहीं सकते हैं, तो इसीलिए जिस चीज पर आप फेस नहीं कर सकते हैं तो आप रिस्क नहीं उठा सकते हैं। नेक्स्ट है कि प्लास्टिक की बॉटल्स। तो अभी सबका ब्लड टेस्ट करा गया तो उसमें देखा गया कि हर आदमी के ब्लड में प्लास्टिक के नैनो पार्टिकल्स हैं, और आपको ये समझना पड़ेगा कि जो प्लास्टिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और ये प्लास्टिक जाके हमारी इंटेस्टाइनल विलाइज में चिपक जाती है और धीरे धीरे हमारी इंटेस्टाइन्स का सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन जो है वो कम कर देती है। खादर वाली सर ने तो ये भी बोला है अपने लेक्चर में कि जिन लोगों के बाल उड़ जाते हैं उनके इंटेस्टाइन्स में सब जगह प्लास्टिक चिपका हुआ है। तो जब तक आप लोग फ्लश आउट नहीं करेंगे ये प्लास्टिक की बोतल पीते रहेंगे, और इसका पानी भी डेड है, इट्स अ डेड वाटर। पता नहीं कब से इसके अंदर रखा हुआ है, किस तरह से ये केमिकली ट्रीटेड है, ऊपर से इसमें प्लास्टिक है। नेक्स्ट, तो प्लास्टिक इम्प्योरिटीज़ के लिए ये भी डॉक्टर खादर वाली का ही नुस्खा है, उन्होंने बहुत अच्छा बताया है कि आप मोरिंगा के सीड्स यूज़ कर सकते हैं। 10 लीटर पानी में आप 50 से 100 ग्राम मोरिंगा के सीड्स को पीस कर चूरा कर अगर उसमें डालेंगे तो वो सारी प्लास्टिक इम्प्योरिटीज एब्जॉर्ब कर लेता है। बट क्योंकि दुनिया तो लगी है ना हमें पागल बनाने में, हर चीज़ में उन्होंने GMO निकाल दिया है, तो ये जो ऊपर वाले सीड्स हैं ये विद विंग्स हैं, ये हमारे देसी सीड्स हैं, मगर ये जो नीचे वाले हैं मार्केट में आपको नीचे वाले ही मिलेंगे, क्योंकि ये GMO है, हाइब्रिड है, तो हाइब्रिड सीड्स किसी काम के नहीं होते। हमारा DNA किसी भी GMO को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है।
एक और है, सब लोग बोलते हैं अल्कलाइन वाटर पियो, अल्कलाइन वाटर पियो, तो क्या है ये अल्कलाइन वाटर? स्ट्रक्चर वाटर तो आपका बन ही गया, एक जग में स्ट्रक्चर वाटर रखो, उसमें एक दिन खीरा डाल दो, बन गया अल्कलाइन वाटर, एक दिन कोई और फ्रूट डाल दो, एक दिन कोई और फ्रूट डाल दो, मिक्स करने की जरूरत नहीं है, बॉडी कन्फ्यूज हो जाती है, हमेशा एक ही चीज लेनी चाहिए एक टाइम पे आपको। नेक्स्ट, मेरे ख्याल से ये खत्म हो गया। तो मैं आपको दो तीन पेशेंट्स का एग्जांपल देती हूँ। एक मेरी किडनी पेशेंट है, तो उसको भी मैंने किडनी पेशेंट, मैं सभी पेशेंट को सिर्फ कोई भी बीमारी हो, मैं सिर्फ उनको आई जस्ट गिव 6 glasses ऑफ रिवर वाटर एंड 1 glass ऑफ ओशन वाटर, दैट्स इट। वो अपना पूरा सब बीमारी का वो ट्रीटमेंट है, चाहे कैंसर भी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपना सिर्फ आपको पानी को ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है कि डेली 1/2 tablespoon ऑफ सॉल्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका ओशन वाटर को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, सेल्स का प्रेशर को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, वरना ऑस्मोटिक सिस्टम आपका खराब हो जाएगा। तो जो मेरी वो किडनी की पेशेंट है, किडनी के पेशेंट को मैं बोलती हूँ ग्रेजुअली ग्रेजुअली अपना वाटर आप बढ़ाना शुरू करो। तो अभी एक हफ्ता पहले ही मैंने उसका पानी बढ़ाया, तो उसका यूरिन आउटपुट भी बढ़ गया, उसकी जनरल कंडीशन भी अच्छी हो गई, और उसका यूरिन येलो से कलरलेस हो गया, तो दैट वॉज द अचीवमेंट। सेकेंडली, एक हमारा पेशेंट है अंकुर, जिसकी हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसके हमने डायलिसिस रिवर्स की है, उसके लिए अब डायलिसिस नहीं होती है, लेकिन उस पर भी मैंने वाटर थेरेपी ट्राई करी है। तो अभी उसने अपना अल्ट्रासाउंड कराया था, तो उसके अल्ट्रासाउंड में उसका किडनी का साइज भी बढ़ गया है, तो वाटर थेरेपी करने से किडनी का साइज भी बढ़ जाता है। एक पेशेंट है सिरोसिस लिवर फ्रॉम उड़ीसा, तो उसके साथ क्या था कि उसको 2-3 दिन से मेमोरी लॉस हो रहा था, कुछ याद ही नहीं आ रहा था। उसको मैंने बोला खाना पीना छोड़, सिर्फ अल्कलाइन वाटर ले ले, और 12 घंटे के अंदर अंदर उसका सारे सिम्टम्स गायब हो गए, और उसको वो रिपीट भी नहीं हुए सिम्टम्स आज तक, 1 महीना हो गया इस बात को। और एक थैंक यू एक ये ऑटो इम्यून डिजीज में भी ये थेरेपी बहुत वंडरफुल काम करती है। एक मेरी पेशेंट है, तो उसको ऑटो इम्यून डिजीज थी, तो मेरे कहने से उसने 15 दिन के लिए वो अल्कलाइन डाइट पे चली गई, अल्कलाइन वाटर पर। तो 15 दिन उसका हस्बैंड बड़ा पैनिक कर रहा था, तो 15 दिन बाद उन लोगों ने टेस्ट कराया, तो उनका ऑटो इम्यून डिजीज नेगेटिव आया, लेकिन मेरे को बिना बताए उन्होंने कंट्रास्ट सीटी करा लिया। कंट्रास्ट सीटी में भी ऑटो इम्यून डिजीज नेगेटिव आया, मगर कंट्रास्ट सीटी से क्या हुआ कि उसको सेकेंडरी इन्फेक्शंस लग गए, और फिर उसको हाई ग्रेड फीवर आया, उसने डायग्नोज कराया, उसको टाइफाइड निकला, और फिर वो ICU में एडमिट हो गई, और उसने बोला मैडम तो पता नहीं क्या, बस पानी पानी पिलाती रहती है, मार डाला हमें। तो इस तरह से जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता हम लोगों के साइंसेज में, तो ट्रीटमेंट नहीं होता। इस पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि अपनी बॉडी में कभी भी कोई भी कंट्रास्ट डलवाने की जरूरत नहीं है, कोई भी आइसोटोप डलवाने की जरूरत नहीं है, किसी भी CT स्कैन मशीन में बैठने की जरूरत नहीं है, किसी भी MRI में बैठने की जरूरत नहीं है। रीज़न क्या है ये नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन जो हम लोगों की कोरोना में डेथ हुई है, तो बहुत मेजर रीज़न है कि CT स्कोर देखने के लिए बार बार हम लोगों ने उनको CT मशीन में बिठाया, कोई भी जरूरत नहीं थी CT मशीन में बिठाने की। तो मैं थोड़ा सा ये सैंपल लेके आई हूँ, मैं आपको अल्कलाइन वाटर दिखाती हूँ किस तरह से बनाते हैं। तो ये 3-pot मेथड है, इसको आप ऐसे एक के ऊपर एक रखेंगे, 3-pot ही लेते हैं, एक एक्स्ट्रा ले लिया मैंने सोचा रास्ते में टूट ना जाए तो इसमें ये छेद कर लेंगे आप ऊपर वाले में और नीचे वाले में, और ये देखिए इस तरह के अलग अलग स्टोन्स और अलग अलग तरह के पेबल्स हैं, तो इनके लेयर्स बिछानी है आपको, पहले पेबल्स की, उसके ऊपर सैंड की, इधर चारकोल की, इस तरह से अलग अलग लेयर्स बनाइए। और अगर प्रेफरेबली इसको अगर आप धूप में रखेंगे तो और भी बेटर है, क्योंकि धूप से भी स्ट्रक्चर्ड वाटर बनता है, और जो आपका ये नीचे का पानी तैयार होगा ये स्प्रिंग वाटर तैयार हो जाएगा, एंड दिस इज द बेस्ट वाटर। और ये मोरिंगा सीड्स हैं, ये जिसको देखने वो देख सकता है, ये देसी मोरिंगा सीड्स हैं विद विंग्स वाले, तो ये आपको ये वाले सीड्स यूज करने हैं। तो अगर आप सब कुछ ये सब करना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वी आर नॉट सिक बट जस्ट वी आर थर्स्टी, वी डोंट नीड मच ऑफ डॉक्टर्स, वी जस्ट नीड टू करेक्ट आवर वाटर, वी नीड मोर ऑफ स्ट्रक्चर्ड वाटर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। तो आपने अभी देखा इलाज तो मुफ्त में ही होता है, राइट? सो दिस इज वाटर इज नॉट अ ओनली वाटर, इट इज़ मेडिसिन ऑल्सो, अगर उसे ठीक से इस्तेमाल किया जाए, होपफुली आप इस्तेमाल करेंगे इसको। और हमारे बीच में योगेश जी हैं, एक बार आएंगे सर।
आपने आप में से कितने लोगों ने हमें पहले भी देखा, हमें और योगेश जी को साथ में, आप बहुत लोग जानते हैं। आज से कुछ साल पहले हमने जब शुरुआत किया था इस मुहिम का, तो शुरुआत इनसे हुई थी। तो आपका जो हिम्स हॉस्पिटल में एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूँ कि अभी आते हुए हम बात कर रहे थे तो मैंने कहा जो भी आपने बोला एक बार बोल दीजिए, सब में हिम्मत आ जाएगी। प्लीज सर। वंदे मातरम। अभी मेरी मदर पीछे, उन्हें फीवर हुआ अप्रैल में, और उसके बाद में लंग्स में स्वेलिंग हो गई, ट्रैकिया में स्वेलिंग हो गई। 82 इयर्स की हैं, 52 इयर्स से डायबिटीज। 2014 में उनकी जो सिचुएशन थी, 8200 यूनिट वो इंसुलिन लेती थी और 20 टैबलेट्स इन डे। ऑलमोस्ट सारी डिजीज़ थी उनको, और डॉक्टर साहब ने कहा था, हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं उन्होंने कहा था कि भाई अब ये लास्ट स्टेज है, इनकी सेवा कीजिए। 2014 की बात है। तो DIP डाइट शुरू की तो सारा कुछ रिवर्सल हुआ और वो हमारे साथ में अभी तक हैं। 2021 में जो ये लास्ट कोरोना का फेज आया, तो उसके अंदर में उनको एक पैरालिटिक इफेक्ट आया ऑप्टिक नर्व में। उनकी आई बॉल मतलब स्टेशनरी नहीं रही, घूमने शुरू हो गई और टिकती नहीं थी एक जगह पर, और 15% ही उनका विजन रह गया। तो भी डॉक्टर्स ने कहा कि भाई ये कराइए। हमने डॉक्टर साहब से कंसल्ट किया और स्ट्रिक्टली DIP डाइट को फॉलो किया और प्रोटीन डाइट हमने छोड़ दी। एक महीने के अंदर रिवर्सल हुआ, एक महीने के अंदर। थर्ड केस, अभी उनको फीवर हुआ और फीवर के बाद में ट्रैकिया, जैसे मैं बता रहा था, ट्रैकिया के अंदर स्वेलिंग आई, ब्रेथलेसनेस हुई और बुरी तरह से वो बस ऐसा स्टेज हुआ कि 1 तारीख को रात को तकरीबन कोई 4:30 बजे उनकी पल्स भी चली गई। पल्स जाने के बाद में 2-3 बार पल्स गई, फिर वापस आई। हम उन्हें नेबुलाइज कर रहे थे और साथ में स्टीम वगैरह भी कर रहे थे। समहाओ थोड़ा सा सेचुरेशन आया उनके और हम उन्हें लेकर के हिम्स जयपुर चले गए। वहाँ पर हमने जो छोटे छोटे ट्रीटमेंट किए, ये समझिए कि मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर मैं किसी एलोपैथ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ले जाता तो 3 या 4 दिन के बाद मैं डेड बॉडी लेकर के आता। ये मैं लिख करके स्टाम्प पेपर पे दे सकता हूँ। और आज वो हमारे साथ में है और ठीक है। सारी प्रॉब्लम्स को 10-12 दिन के अंदर, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, उन्हीं से ही हमने रिवाइव किया और उन्हें वापस ले आए। डॉक्टर साहब का जो योगदान है सोसाइटी के लिए, मैं ये मानता हूँ कि अमूल्य है। अगर एक आदमी कोई भगवान होता तो शायद हमें नहीं पता कि वो कैसा होता। जो आदमी अपने सब कुछ लेकर के सब कुछ बांट देता है वो शायद भगवान ही होता है। विश्वरूप का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मैं आज अगर स्वस्थ हूँ, मैं जयपुर से आ रहा हूँ, सुबह 10:30 बजे पहुँचा हूँ यहाँ पर, तो इसमें भी इन्हीं का ही योगदान है, क्योंकि मैं आज बिल्कुल फिट हूँ विदाउट एनी मेडिसिन। इसी के ट्रीटमेंट से ही मेरी मदर आज इंसुलिन से फ्री हैं, कोई मेडिसिन्स नहीं हैं, शी इज़ फ्री फ्रॉम ऑल मेडिसिन्स। थैंक यू। थैंक यू। आज जब आप जाएंगे तो दोबारा जब हम मुलाकात करेंगे तो किस तरह से मुलाकात करेंगे, तो आज से पहले सर DSP साहब हैं, तो इसी तरह से आए थे एक समय पे, 23 जनवरी को आए थे, हाँ ऐसे ही बैठे थे, और जो हमारी उम्मीद है आपसे, और अब जब दोबारा मिले तो वो उम्मीद किस तरह की हम उम्मीद लगाते हैं, किस तरह से हम चाहते हैं कि हो दोबारा जब मुलाकात हो, एक मिनट में थोड़ा सा। थैंक यू डॉक्टर साहब, और सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं रिटायर्ड DSP छत्तीसगढ़ दुर्ग से हूँ, दिलीप चंद्राकर, और 20 साल से मुझे डायबिटीज़ था। वीडियो देख के शुरुआत में मैंने फिर आया, फिर इनके ऑफिस गया, इनसे मिला डॉक्टर साहब से, और कॉन्फिडेंस के साथ मैं DIP डाइट लिया। मैं
अभी लगातार ठीक हूँ और मैंने नेचुरल थेरेपी में भी कोर्स कर लिया और लगातार जुड़ा हुआ हूँ। और मैं अपने जीजा जी जो थे वो मरणासन्न अवस्था में थे, उसका एक पैर डायबिटीज से कट गया था और दोनों आँख नहीं दिख रहे थे। ऐसी स्थिति में तीनों टाइम इंसुलिन का इंजेक्शन और शुगर का दवाई 5-6 प्रकार का ले रहे थे। 2-3 साल बाद मेरा अचानक फ़ोन आया, बोले कि मरणासन्न अवस्था में उठ बैठ नहीं पा रहे हैं। तो मैं उससे फ़ोन से बात किया, फ़ोन से बात करने के बाद बोले कि अब तो मैं मर रहा हूँ, आखिरी समय में देखने आ जाओ। अब सगे जीजा जी हैं तो मेरा भी थोड़ा दुख लगा कि मेरे को बताया नहीं, पैर भी कट गया। ऐसी स्थिति में मैं फिर बोला ठीक है, जिंदा रहना चाहते हो तो देखने आओ, यार मर जाओगे तो क्या देखने जाऊँगा। नहीं नहीं जिंदा रहना चाहता हूँ बोले। उसके बाद बोले ठीक है, ऐसा कर तू जिंदा रहना चाहता है तो मैं जिंदा रहोगे इसी कंडीशन में आऊँगा, तू इंसुलिन का इंजेक्शन की दवाई है उसको फेंक दे। वो एकदम हड़बड़ा, मर जाऊँगा बोले। नहीं मरेगा, तू 12 घंटा मेरे समय दे दे बोले। और मैं उससे 12 घंटा का समय मांगा और वाकई में उसने फेंक ही दिया। और दूसरे दिन के बाद उसने फ़ोन किया, मेरे ठीक लग रहा है। और तीसरे दिन वो मार्केट में घूमने चला गया। यही मेरा फर्स्ट इलाज उन्हीं से मैं किया, क्योंकि परिवार का मेरे जीजा जी हैं इसलिए मैंने फर्स्ट। और आज उसके बाद साल भर से उनकी तबीयत है, कोई दवाई नहीं ले रहा है, कोई इंसुलिन नहीं ले रहा है, कुछ भी नहीं ले रहा है। और फटे और जो डॉक्टर साहब ने बताया था, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी ने, कि फियर डायग्नोसिस और ड्रग्स ये तीनों का जो तालमेल है, उस हिसाब से उसको डर को पहले भगाया मैंने। और डर भगाने के बाद बिना डायग्नोसिस बोले शुगर नापना है, नहीं नापना चाहिए है तेरे को। और फल डॉक्टर साहब मना किए, नहीं फल 1 किलो खा आम, अभी सीजन है तो 1-1 किलो भर भर के आम खाया हो। और मैं भी खा रहा हूँ, मैं 20 साल से शुगर पर मैं भी खा रहा हूँ। तो मैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे, चूँकि मैं जिंदगी भर पुलिस विभाग में नौकरी करते करते जिस टेंशन से गुजरा हूँ, अब रिलैक्स मूड से मैं ये सिस्टम में आया हूँ और नेचुरोपैथी में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ताकत भी महसूस होता है और सब चीज़ अच्छा लग रहा है। मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर विश्वरूप। धन्यवाद सर, फर्स्ट क्लास। 2021-23 जनवरी को सर यहाँ पे आए थे इसी जगह पे, दैट वाज द लॉन्च ऑफ द सुभाष चंद्र बोस जयंती वाले दिन हमने हमारी जो किताब थी वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ उसकी लॉन्चिंग में सर आए थे। और उसके बाद तो मैं उम्मीद करता हूँ जब हम और आप दोबारा मिलेंगे तो ऐसी कोई कहानी के साथ मिलेंगे, कुछ जिंदगी बदलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू शिवानी, थैंक यू 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 थैंक यू। भारत नवनिर्माण अभियान की तरफ से डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि जो जिस काले गोरे भेद से ये क्रांति की शुरुआत हुई थी, वो गोरों वाली व्यवस्था, वो क्रीम लगा के सुंदर बनने वाली व्यवस्था छोड़िए और अच्छी स्वास्थ्य जो है, जो आयुर्वेद के अभिधान में है, उसको अपनाइए, जिसे हम बोलते हैं समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक क्रिया प्रसन्न आत्म मन इंद्रिय स्वस्थ इति अभिधीयते। ये पैचअप सॉल्यूशन छोड़िए, अपनी बात पित्त कप को समता रखिए, स्थिरता लाइए और आत्म मन प्रसन्न होके इंद्रियों को संयम लाइए और क्रांति में आगे बढ़िए। बोले इनकलाब। सभी साथियों से निवेदन है कि 2 मिनट और प्रतीक्षा कर लें, भोजन तैयार है लेकिन, और हम लोग समझ रहे हैं कि अब काफी समय भी हो चुका है, भूख भी लगी होगी, तो अभी कृपया 2 मिनट और 2-3 मिनट और बैठिएगा। गाना भी करेंगे लेकिन अभी एक वक्ता और रह गए हैं, 5 मिनट में वो अपनी बात पूरी कर लेंगे। एक बार बैठ जाइएगा क्योंकि इसके बाद फिर भोजन की शुरुआत होगी। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूं बंगाल से आए हुए AIM के बहुत जबरदस्त साथी, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को AIM से जोड़ा है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जगदीश चंदा जी। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि वो आए और 5 मिनट में, क्योंकि आप लोगों की भूख अब आपके ऊपर निर्भर है,
कि आप कितनी देर में उनको खाना खिलाएंगे, तो उसी तरह से संक्षेप में अपनी बात रखें। धन्यवाद। जगदीश चंदा जी, मैं कहूंगा कि एक बार तालियों के साथ आप उनका स्वागत कीजिएगा। सभी भाइयों को नमस्कार। एंड काफी काफी अच्छा ट्रेनिंग मिले हैं। एक तो राकेश रफीक जी की भी बात से काफी हम लोग अनुप्राणित हुए हैं, और विश्वरूप जी का तो बात क्या बताएं। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। जो कल से और हम जो सोच रहे थे, जैसे कि डॉक्टर विश्वरूप सर ने भी बता रहे थे कि सवाल सवाल करना पड़ेगा, सवाल करना सीखिए। देखिए, यही है कि हम लोग अभी जो जो वक्त पे खड़े हैं कि हमें सवाल करना बहुत जरूरी हो गया। और ये देखिए, ये हमारा ट्रू नेचर भी है। जब हम सुबह जब बचपन में हम जन्म लेते हैं, ऊपर वाला ये नेचर भगवान हमको दो दो बड़े गुण से हमको ये भेजते हैं। एक तो ये जो कि हर चीज में सवाल करने का, खुद को भी हर चीज जानने के लिए, एवरीथिंग दैट वी वांट टू नो, हर चीज को जानने के लिए जो एक इंसेसेंट क्यूरियोसिटी है, वो हमको भगवान ये गुण दे के ही भेजते हैं। और ये क्योंकि ये इंसेसेंट क्यूरियोसिटी से, ये क्वेश्चन से हम लोग सही क्वेश्चन खुद को करके उसको सॉल्व करते करते हम आगे और सत्य की तरह जाते हैं और बड़े बड़े खोज निकल के आते हैं। ये डॉक्टर सर के भी जो खोज है, ये क्यों सारे लोग बीमारी पड़ते हैं, ये इनके कुछ खोज खुद जब सॉल्व करने लगे तो नए नए चीज इनको मिलते गए और हमको बताते गए। तो ये दिस इज सबसे बड़ी गुरुत्वपूर्ण आज हमको है कि हर चीज जो भी हम कर रहे हैं, जो भी समाज व्यवस्था है, जो भी जैसे भी हम लोग सीख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इसके पीछे हम सवाल करना सीखे, सवाल करें खुद को, और उसके लिए क्या सही रास्ता है उसके ऊपर हम लोग विचार करें। लेकिन दूसरा क्या है कि एक चीज और भी है जो हम लोगों को दिया जाता है, जो कि हम एक वी आर ए ग्रेट कॉपीकैट। हम लोग हर चीज को जो है कि ना, जो भी देखते हैं उसको बिलीव करते हैं और उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ये भी हमको बचपन में देता है, जैसे कि इसीलिए हमारा 90% ऑफ आवर एक्टिविटी आर बेसिकली कॉपिंग अदर्स। हम जैसे खाते हैं, जिस भाषा में बात करते हैं, जो हमारा मातृभाषा है, वो क्यों क्या है, हम सुबह बचपन में जो हम देखते थे, जो हमारा माँ बाप या आसपास में जो लोग जिस भाषा में जिसको कौ बोलते थे, हम भी उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ये गुण हमको भगवान दिया जाता है, देते हैं, क्योंकि जो हमारा सीखने का प्रोसेस जो है वो थोड़ा आसान हो जाए, क्योंकि हर चीज में हम सुबह बचपन से अगर क्वेश्चन करने जाएंगे तो हमारा सीखने का प्रोसेस बहुत देर हो जाएगा। और बचपन में ये गुण हमारे लिए जरूरी होती है, क्योंकि अगर जब भी कोई बचपन बच्चा जन्म लेते हैं, वो इट्स बिकम ए डिवाइन, तो उसके आसपास में जो लोग हैं, वो जो भी करते हैं उनकी भलाई के लिए, उनका आउट ऑफ लव फॉर दैट चाइल्ड वो करते हैं, तो उनकी अच्छे के लिए वो उनको कॉपी करना भी, एक फेथ करना भी एक अच्छी उनके लिए भलाई के लिए होती है। लेकिन जो सिस्टम है, जो हम लोग ये एजुकेशन सिस्टम से जो बड़ा होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारा ये जो क्वेश्चन करने का, जो सीखने का, जो एक क्यूरियोसिटी होता है, उसको बंद कर देते हैं, उसको दबा देते हैं, और ये जो कॉपी करने का जो रास्ते हैं, कॉपी करने का जो स्वभाव, वो हमारा बरकरार रहते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, जैसे आज हम देखते हैं कि किसी को पूछते हैं कि वैक्सीन क्यों ले रहे हैं, क्यों दवा ले रहे, और सब ले रहे हैं, हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, बस और कर रहा है, हम इंजीनियर क्यों बन रहे हैं, बस और कर रहे हैं। तो ये चीज से हमको निकलना पड़ेगा, हमें ये आज हर चीज में, जैसे जो भी सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, इसकी खोज हमें खुद को लाना, खुद सोचना चाहिए इसका क्या सॉल्यूशन है, और इसके लिए हमें एक मेंटर भी के साथ भी लेना पड़ेगा। देखिए, एक जो पर्सनालिटी, देयर आर द फोर क्वाड्रेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। हमारा कोई जो हमारा जो जीवन का पूरा जो विस्तार है, जो भाग है, उसको हम चार क्वाड्रेंट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कुछ चीज है जो हम अपने बारे में जानते हैं और बाकी लोग भी जानते हैं, जैसे मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ, अभी बता दे, मेरा भी पता है, आपको भी पता है। लेकिन कुछ चीज़ है जो हमारे लिए मैं ही जानता हूँ लेकिन आप लोग नहीं जानते, जैसे मेरा सही एज क्या है, मेरा सही इनकम क्या है, मेरा पीछे कोई अफेयर था कि नहीं, ये दो चीज़ है। और इसके आगे का जो चीज़ है और भी इम्पोर्टेंट, जो चीज़ मुझे पता नहीं है लेकिन बाकी लोगों के पता है, जैसे मैंने मेरा टॉकिंग हैबिट क्या है, मेरा बॉडी ऑर्डर है कि नहीं, मुझे पता नहीं। जैसे कुछ लोग जो है लिसनिंग सुनने का फायदा क्या है, लिसनिंग का फायदा क्या, इसके बारे में घंटे भर बात कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चार, कुछ चीज ऐसे है जो मुझे भी नहीं पता और बाकी लोग की भी पता नहीं है, वो होता है हमारा पोटेंशियल। अभी उस एरिया में जो हम बढ़ सकते हैं, उसके लिए क्या चाहिए, हमें एक मेंटर चाहिए, जो हम क्या बढ़ सकते हैं उसको हमें रास्ता में ले जाएंगे। तो हमें ये आशा है, ये इसमें अच्छा है कि ये हमारा जो भारत नवनिर्माण अभियान बन रहा है, ये इनके जो अध्यक्ष है,
अक्षय जी, नीलेश ओझा जी एवं और भी काफी सारे जो ज्ञानी व्यक्ति हमारे साथ हैं, तो हम लोगों को अच्छी तरह से ग्रूम करने का जो है, वी आर सेफ एंड सिक्योर कि हमको ये अच्छी रास्ता दिखा के लेके जाएंगे। मैं ज्यादा बात नहीं लूंगा, यही है कि हम साथ में हैं, हम कलकत्ता से और भी लोग आए हुए हैं, काफी सारे लोग हम लोग वहाँ पे लगा के रखा, हम साथ में ये इनके साथ ये क्रांति, ये जो जर्नी है, इसके साथ हम पूरे दिल और जान लगा के साथ में रहेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश चंदा जी। अभी हम सब लोग लंच के लिए बाहर चलेंगे और उसके बाद फिर हम दोबारा 2:30 बजे या 2:35 पर बैठेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।